Okay. Good evening, everyone. Okay. Let's start with the class today. First of all, कुछ चीजें मेरे बारे में, कुछ चीजें आपके बारे में, और फिर हम इसके बाद में आगे बढ़ेंगे. Regarding virtuals and pendrives, जो लोग directly lecture देख रहे हैं, I will insist them to go on introduction lectures first, which are about installing your pendrives or about some doubt solving queries. Okay? उनको पहले देखना, बाद में इन lecture के ऊपर आना. Let's start. First of all, myself, Darshan Deepak Khare. I belong from Amravati city. I was CA in June 2009. I am CS in December 2010. और मैंने बीकॉम भी किया है. ठीक है. After that, I have gone for a job for nearly 1 year in BK Khare & Associates, where I have done audit of many listed companies such as Pfizer, Thermax, Phenolics, etc. ये हो गई खुद की तारीफ. Let's go to rules. ठीक है. This batch is all about new syllabus. So I will recommend everyone, if you are about the new syllabus, if you are appearing for new syllabus, this is a batch for you. But if you are appearing for the old syllabus, the additional topic which are required for the old syllabus will be separately provided to you after this batch. Now, few rules regarding conducting a class. Class conduct करने के लिए कुछ rules जो जरूरी है. First rule, भले ही मैं notes के अंदर सब चीजें आपको totally दे रहा हूं, but I will insist कि आप एक 100 pages की book फिर भी खुद के साथ carry करो, जिसके अंदर मुझे कुछ टाइम पे नई चीजें सूझती है तो मैं आपको लिखवा के दे सकता हूं. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. रूल नंबर टू, आपके पास जो सेलफोन्स है उस सेलफोन्स को क्लास के अंदर स्विच ऑफ रखना. जो आप मेरी सुनोगे नहीं तो एटलीस्ट वाइब्रेट मोड पे रखना या टोटली साइलेंट मोड पे रखना ड्यूरिंग द क्लास. कोई भी बंदा अगर सेलफोन यूज करता है तो मैं उसका सेलफोन 24 घंटे के लिए छीन लूंगा और उसके ऊपर चैटिंग भी मैं ही करूंगा. ठीक है. Normally I don't do that. मैं क्लास के बाद सेलफोन वापस दे देता हूं, लेकिन रिपीट और ऑफेंस हुआ तो मैं जरूर 24 घंटे के लिए लूंगा और एटलीस्ट इंटरेस्ट तो दिखाऊंगा कि क्या है अंदर. ठीक है. अगर आप क्लास में कॉल उठाते हो, इफ यू पिक अ कॉल इन द क्लास, मार्क माई वर्ड, हेंसफोर्थ फॉर एंटायर 60 डेज आपकी एडमिशन कॉन्फिस्केट हो जाएगी विद प्रोपोर्शनेट फीस रिफंड. कितना भी इमरजेंसी हो, कैसा भी इमरजेंसी हो, आई डोंट वॉन्ट टू हियर. कैसा भी सिचुएशन है, किसने भी कॉल किया हो, आई डोंट वॉन्ट टू हियर. जहां आपके सेलफोन हाथ में कान को लगा हुआ दिखा वहां आपकी एडमिशन गायब हो गई, ये मान लो. ठीक है. ये रूल मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है. मैं भी तब तक मेरे फोन नहीं उठाता हूं जब तक घर वाले मुझे 4 मिस कॉल नहीं मारते. मैंने घर वालों को सख्त ताकीद देकर रखा है कि तुमको बहुत अर्जेंट कॉल है, 3 कॉल तक के तुम याद ही मत करना कि दर्शन फोन उठाएगा, 4th कॉल में तुम मिस कॉल अगर दे रहे हो तो मैं 5वें कॉल में खुद फोन उठाऊंगा या कॉल कर लूंगा. ये मेरे घर वालों को भी बोल के रखी हुई चीज है. और अगर मैं कॉल करूंगा भी 4 मिस कॉल के बाद तो बाहर जाके करूंगा. दूसरा, अगर मैं क्लास में रहकर कॉल करूंगा तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए कॉल करूंगा, जैसे लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा, पानी की बॉटल नहीं है, यहां पर मेरे पास मार्कर नहीं है, या बच्चों को कोई तकलीफ है. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. ये छोड़ के बाकी कोई भी पर्सनल लेवल के कॉल हैंडल नहीं किए जाएंगे. देयर इज वन रिलीफ, आप जब चार्ट कॉपी कर रहे हो या कोई बंदा यहां पे आके बेसुरा सा गाना गा रहा है तब आप आपके सेलफोन सिर्फ चेक कर सकते हो, दैट टू थ्रू मैसेजेस. ठीक है, नॉट थ्रू कॉल. ठीक है. मैं भी अगर आप चार्ट वगैरह चेक कर रहे हो, और इधर कई सारे बच्चों को टोटल परमिशन है, लाइव क्लास में अगर आप कोई क्वेरी फेस कर रहे हो या वर्चुअल में कोई क्वेरी फेस कर रहे हो और आपका क्वेरी आपको लगता है कि मैंने पब्लिकली नहीं पूछना चाहिए, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, तो आप मुझे इमीडिएटली व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो. ठीक है, तो मैं इधर ही बैठे बैठे आपकी क्वेरी को इधर ही सॉल्व कर डालूंगा. समझ में आया सबको? हाँ ना. टेक्नोलॉजी का टोटल एडवांटेज, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना. तो ये चीज को आपने याद रखना, नहीं तो क्लास जाने के बाद भी आप क्वेरी मैसेज कर सकते हो, दैट इज टोटली अलाउड. ठीक है. सो इन बिटवीन इफ यू आर कॉपिंग द चार्ट वगैरह तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मैं कुछ क्वेरी एंटरटेन करूं, वो छोड़ के नॉर्मली मैं बाकी कोई चीजें करता नहीं हूं. ठीक है, अज्यूम दैट एटलीस्ट. ठीक है, ये चीज होने के बाद में नेक्स्ट थिंग एक सेकंड, जो भी बंदा क्लास के अंदर लेट आता है, जैसे मैंने बोला बाहर 2 मिनट के लिए खड़े रहना है आपको. ठीक है, जब आवाज बंद हो जाए, आ जाओ बेटा, आधे तो अंदर आ चुके थे. ठीक है, आ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं. सो अगर आप लेट होते हो तो 2-5 मिनट बाहर खड़े रहना. इन ऑल्सो वर्चुअल क्लासेस आई विल इंसिस्ट, रीजन बींग जब आप एंट्री करते हो तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होने के चांसेस है. इन एडिशन टू दिस, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग अ प्रॉब्लम कि सर हमें सब नोट्स वगैरह प्रॉपरली मिलने वाले हैं, सब चीज अपडेटेड है, सब चीज अमेंडेड है क्या? तो लेट्स टॉक अबाउट अमेंडमेंट्स फर्स्ट. ठीक है, एज दिस इज अ वेरी बेसिक लेक्चर,
आई वॉन्ट टू क्लियर ऑल द डाउट्स टूडे इटसेल्फ. ठीक है, तो मैं आपको अमेंडमेंट्स के बारे में भी आज ही बता दूं, सो दैट ये क्वेश्चन वापस से कभी इस क्लास के अंदर रेज ना हो. ठीक है, लिसन इट वेरी केयरफुली, लिसन इट वेरी केयरफुली. और अगर आपके दोस्त को आप कल लेके आ रहे हो क्लास में डेमो लेक्चर के लिए, तो ऑब्लिगेशन उसको भी ये चीज बोल के लाना. ठीक है, चलो कॉन्सेंट्रेट करना बोर्ड के ऊपर, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से. लेट्स टॉक अबाउट अमेंडमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू अटेम्प्ट्स. मे भूल गए क्या? से इट. मे नवंबर. ठीक है, फॉर मे एग्जाम अमेंडमेंट्स अप टू 31st ऑफ अक्टूबर ऑफ लास्ट ईयर आर एप्लीकेबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर एग्जाम इज इन 2025, द अमेंडमेंट्स अप टू 2024 31st अक्टूबर will be applicable to you. But there is still a problem with this case. What is the problem? The amendments which are normally dictated, जो amendment department dictate करता है, वो amendment department बोल के निकल लेता है. पर इन amendments को practically बच्चों को लगाना या नहीं लगाना, ये decision Institute of Chartered Accountants of India में council करती है. कौन करती है? बोले council. और काउंसिल में भी टोटल डिसीजन मेकिंग ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये डिसीजन मेकिंग काउंसिल में बैठे गए वो तीन लोग करते हैं जो हर एक सब्जेक्ट के लिए सेपरेटली अपॉइंटेड है. देर आर थ्री डेजिग्नेटेड पीपल फॉर ईच सब्जेक्ट इन ईच हायरार्की. और ये तीन पीपल और काउंसिल मिलकर डिसाइड करता है कि डिपार्टमेंट ने अगर 100 चीजें बोली है तो हमने उसमें से 100 की 100 लेना, या फिल्टर करके 95 लेना, या फिल्टर करके 90 लेना, या 100 के प्लस दो तीन क्लैरिफिकेशन डाल के कुछ 104 चीजें दे देना. ये सब इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है. मैंने इसके पहले 31 अक्टूबर को अगर अमेंडमेंट आए हैं तो वो 15 नवंबर तक पढ़ा दिए हैं. लेकिन उसका उनको रिजल्ट ये मिला कि 15 नवंबर को मैं अमेंडमेंट पढ़ाता हूं और मैंने बोले हुए अमेंडमेंट ने इंस्टीट्यूट के आरटीपी में दिया हुआ कोई भी अमेंडमेंट अगर मिसिंग है, अगर इंस्टीट्यूट के आरटीपी में मिसिंग है, तो बच्चे मेरा दिमाग खा लेते थे कि सर तुम कुछ तो भी अजीब चीज पढ़ा रही है, तो कहीं नहीं लिखा हुआ. तो इस हिसाब से मैंने एक चीज जिंदगी में शुरू कर दी कि अमेंडमेंट भले ही 31 अक्टूबर के आपको एप्लीकेबल हो, ये आपके सामने तब तक नहीं आएंगे जब तक कि इंस्टीट्यूट आरटीपी या अमेंडमेंट मटेरियल रिलीज नहीं करता. दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यूर बेनिफिट, दिस इज फॉर नॉट टू क्रिएट अ कंफ्यूजन इन यूर माइंड. ट्राई टू अंडरस्टैंड सेम. अब इंस्टीट्यूट आरटीपी या अमेंडमेंट मटेरियल रिलीज करता है पिछले अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद, जो पिछले अटेम्प्ट का रिजल्ट आता है, मतलब मे क्या वाला अटेम्प्ट था तो उसका पिछला अटेम्प्ट नवंबर, जिसका रिजल्ट आएगा जनवरी में. जनवरी में जब इंस्टीट्यूट रिजल्ट लगा देती है तो उसको टाइम मिलता है कि वो अमेंडमेंट मटेरियल बना पाए और आरटीपी बना पाए, जो वो रिलीज करती है नियरली जनवरी के बाद एक महीने के अंदर, नियरली 15th of February तक. 15th of February तक जब मटेरियल बाहर आएगा, उसके बाद में मुझे सिर्फ 15 डेज चाहिए ये सब चीजों को एसिमुलेट करके, मेरा एनालिसिस डाल के, नोट्स बना के आपके सामने लाने में, बिकॉज कोई गलत चीज रखूंगा तो भी तो टेंशन है, इसलिए मुझे 15 दिन चाहिए. तो अमेंडमेंट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में यूट्यूब के ऊपर नोट्स के साथ पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो जाएंगे. जिन जिन लोगों को इस चीज के ऊपर अभी भी भरोसा नहीं आ रहा, I will tell them to subscribe my channel CA Darshan Khare on the YouTube. November 2017 के nearly 13 amendment lecture with its notes उसके ऊपर अभी भी पड़े हैं. May 17 के अभी भी पड़े हैं. यहां तक के November 16 और May 16 का amendment भी उसके ऊपर अभी भी है, जो delist हो जाएंगे as soon as possible. लेकिन मैं normally उसको थोड़ा बहुत रखता हूं for the purpose कि आप उसको ठीक तरीके से लंबे समय तक देख पाओ. ये चीज मे अटेम्प्ट के लिए मार्च में होती है और यही चीज नवंबर अटेम्प्ट के लिए सितंबर फर्स्ट वीक में होती है. इसके पहले ना मुझे कभी अमेंडमेंट पूछना, इसके पहले ना कभी मेरे को मैसेज करना कि सर अमेंडमेंट का क्या हुआ. मेरा जवाब एक ही है, एग्जाम के दो महीने पहले, दैट्स ऑल. टेक इट एज ग्रांटेड. सर अमेंडमेंट रिलीज करेंगे मार्च में, सर अमेंडमेंट रिलीज करेंगे सितंबर फर्स्ट वीक में. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी फैकल्टीज ये अमेंडमेंट बहुत जल्दी रिलीज कर देती है, बेटा मैं मेरे हिसाब से पढ़ाता हूं और कम से कम लॉस होने के हिसाब से पढ़ाता हूं, तो ये मेरा थ्योरी है, ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, इसलिए बातें इसी हिसाब से चलेगी. ठीक है, इन चीजों के बारे में रेडी रहना. ठीक है, दैट इज माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू. बाकी सब चीजें खत्म करो. फिर बच्चे बोलते हैं सर आप अमेंडमेंट जल्दी नहीं लाओगे तो ऑटोमेटिकली हम पढ़ कैसे पाएंगे. आई विल टेल यू सिंपल थिंग. अमेंडमेंट आता है आके 120 पेजेस का मैक्स.
ये 120 पेजेस तुमको 1200 पेजेस पढ़ने से कैसे रोक सकते हो, मेरे को कभी समझ में नहीं आता। बात तो वही है कि ये 120 पेजेस तुमको 1200 पेजेस पढ़ने से रोक कैसे सकते हैं। इक्वेशन इज सिंपल, बाकी सब तुम्हारा अगर पढ़ना हो चुका है और फिर तुम रहा देते हो तो गलती मेरी है। पर गलती नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, रीजन बिंग कि आपको चीजें अपडेटेड मिले, जो इंस्टीट्यूट बोले वो मिले। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो मार्च और सितंबर, ये चीज को याद रखना, जोर से बोलो क्या को याद रखना, मार्च और सितंबर। क्लियर है? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आज तक का रिकॉर्ड है, कभी ये डेट नहीं टूटा है। सितंबर फर्स्ट वीक कभी ये डेट नहीं टूटा है और ना ही इसके बाद में टूटेगा, ये मेरा हमेशा ट्राई रहेगा। सो रिगार्डिंग अमेंडमेंट आई गेस एवरीवन इज क्लियर, जोर से बोलो सर। ना सब जनों को क्लियर है? लास्ट बेंचेस, ठीक है, वेरी गुड। ये चीज होने के बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सर हमको मटेरियल कौन कौन से मिलने वाले हैं, उन चीजों के बारे में क्लैरिफिकेशन दे दूं, लेकिन जस्ट थोड़ा लेक्चर शुरू कर दूं, उसके बाद में जब सिलेबस बोलूंगा तो आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज के लिए कौन कौन से मटेरियल मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल जो क्लास के अंदर आपको और ओवर करना है, जब जब भी मैं क्लास में, एटलीस्ट लाइव बैच में, वर्चुअल में यू कैन कैरी विथ योरसेल्फ, बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू टू डू द सेम, जब मैं क्लास में आपको कोई भी सवाल पूछू, एनी सवाल, ठीक है, कोई भी सवाल, बिंदास आंसर दे देना, चाहे सही हो चाहे गलत हो। देखो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम यहां पे आके गलती करो, तुमने पैसे उसी के भरे, तुमने फीस उसी की भरी कि तुम यहां पे गलती करो, मेरा ये काम है कि मैं उन गलतियों को ठीक करूं। ये समझ लो तुम्हारा प्लेग्राउंड है। क्रिकेट खेलना आदमी एक दिन में नहीं सीखता, पहले दिन तो बैट को ही देखता रहता है कि इतनी बड़ी चीज क्या है, समझ में आ रहा है सबको, दूसरे दिन बॉल को देखता है इतनी छोटी चीज क्या है, फिर तीसरे दिन तब जाके समझता है कि नहीं बैट को ऐसे पकड़ते, बॉल को ऐसे पकड़ते और ऐसे मारते, समझ में आ रहा है। ये भी वैसा ही सिचुएशन है, पहले दिन में तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुमको सीए फाइनल आता है, अगर आता होगा तो मेरी जरूरत नहीं थी। क्लियर है आंसर? सो यहां पर आगे गलतियां करो, बिंदास गलतियां करो, उन सभी गलतियों को करेक्ट करने का काम मेरा है, पर गलतियां करने के लिए पहले तुमको मुझे गलतियां बोलनी पड़ेगी। सो व्हाट एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन आई आस्क, आपको सिर्फ रिप्लाई देना है, जो भी आपका आंसर है उस हिसाब से। मैं आपको पूछू गधे को कितने पैर है, किसी ने पांच भी बोला तो मैं कुछ नहीं मानूंगा, हो सकता है पांच, एक्सेप्शनल केसेस, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको, है ना? आई विल नेवर से रॉन्ग, ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल, भगवान ने उसको नहीं चार पांच और पैर देके भेज दिया, फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो तुमने अगर गलत भी आंसर दे दिया, आई एम नॉट गोइंग टू टॉर्चर यू कि झंझोड़ झंझोड़ के नहीं पूछूंगा तुमने बचपन से क्या सीखा करके, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो करो बिंदास गलतियां करो, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विथ योर मिस्टेक्स, बट आप कुछ ना कुछ रिप्लाई दो, इतना ही सिर्फ मेरा कहना है। इससे होगा क्या, मुझे आपके विचार पता चलेंगे, मैं मेरे विचार और अच्छे तरीके से बना सकूंगा और अल्टीमेटली हम कंसेप्ट को फिल्टर करके पी जाएंगे। आइडिया क्लियर है? दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को क्लास के ड्यूरेशन में क्वेरीज आते हैं, श्योरली यू कैन गिव मी योर क्वेरीज, ऑब्वियसली इस चीज के लिए पहले मेरा नंबर नोट करके रखो सब जन, फर्स्ट डे पीज दे रहा हूं तो इसके बाद में टेंशन ना रहे, इसलिए 9545642224। सर आप ये नंबर के ऊपर होल्ड, जब आप ये नंबर अपने सेल में डायरेक्टली स्टोर कर रहे हो या रजिस्टर पे भी लिख रहे हो, उसके सामने लिखो डोंट कॉल, ओनली मैसेज, कॉन्टैक्ट इसी नाम से सेव करना, दर्शन सर डोंट कॉल ओनली मैसेज। पूछो क्यों, पूछो क्यों, दिन में मैं 10 घंटा टीचिंग करता हूं, उसके बाद में घर जाके मैं खुद से ही बात नहीं करता, तुम तो छोड़ दो, क्लियर है सब सबको, हाँ ना? मैं 10 घंटा, तुम इमेजिन करो, तुम अगर 10 घंटा मुस्ती बक 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 करके आ रहे हो और मैं तो कुछ ज्यादा ही करता हूं, तुमको समझ में आया होगा 2 मिनट में, ठीक है? तो इतनी बक बक करने के बाद मैं सच में खुद से बात नहीं करता, मेरे घर वाले फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि पहले कितनी बातें करता था अभी तक चुप चुप क्यों रहता है, उसकी जिंदगी में कोई ब्रेकअप वगैरह हो गया क्या, मेरी बीवी तो कितने बार शक कर चुकी मेरे ऊपर, ठीक है? पर स्टिल मैं कहता हूं बेटा, सिंपली याद रखना, मैं नहीं आपसे फोन पे बात कर सकता, इस चीज के लिए मेरे को माफ करो, बट ये मैं गारंटी देता हूं कि तुमने जिस दिन मेरे को मैसेज किया उसके 24 घंटे के अंदर तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास रहेगा। अगर कभी फेस्टिवल वगैरह की वजह से मेरे को बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं और मैसेज आपका पहुंच नहीं पाता, सेम मैसेज 48 घंटे के अंदर रीशूट करो, मैसेज के ऊपर हार मत मानना, मैं तुम्हारे ऊपर कभी हार नहीं मानूंगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, है ना? ये चीज को याद रखना। आइडिया क्लियर है? सर मैं किसी को मैसेज नहीं करता, सर मैं लड़की हूं तुमको मैसेज करना अच्छा नहीं लगता, ओके नो प्रॉब्लम, मैं नहीं चाह रहा कि ऐसा कुछ करो। सो ca.darshan.k@gmail.com, ठीक है? सर तुम फेसबुक पे हो, इतना बोल रहा है तो वो भी बोल दो सर, तो CA दर्शन खरे 3
थर्ड प्रोफाइल है, इसी के ऊपर रिक्वेस्ट भेजना। बाकी प्रोफाइल के अंदर 5,000 ऑलरेडी फ्रेंड खत्म हो चुके हैं, 1,000 के रिक्वेस्ट की लिमिट भी खत्म हो चुकी है। दिस इज द थर्ड प्रोफाइल जिसके अंदर अभी जगह है, ये खत्म हो जाएंगी, चौथे के ऊपर भेज देना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ। ये होने के बाद में नेक्स्ट चीज, और एक चीज, आपको अगर अपडेट्स वगैरह बहुत ठीक से चाहिए, सब चीजें ठीक से चाहिए, तो देयर इज चैनल सीए दर्शन खरे ऑन यूट्यूब, इसको सब्सक्राइब करना। और मेरे किसी भी वीडियो के अंदर कहीं पे भी या किसी भी सिचुएशन में एडवर्टीजमेंट नहीं होता, यूट्यूब पे भी ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट वीडियो नहीं होता। मैक्सिमम वीडियोस आर रिगार्डिंग शेड्यूल्स, कंटेंट्स, जो लेक्चर्स है उसके बारे में, और अगर एडिशनल कोई चीज होगी तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, क्वेश्चन आंसर एनालिसिस एंड मेडिटेशन। मैं एक ही एक्स्ट्रा करिकुलर चीज करवाता हूं, दैट इज मेडिटेशन, उसके उसको वीडियोज होंगे और मेरे मैक्सिमम रिव्यूज के वीडियो होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो अब इसको बिंदास सब्सक्राइब करना। ये कभी सोचना मत कि दर्शन सर इसके ऊपर मुस्ती एडवर्टीजमेंट कर रहे। मेरे को एक चीज बेटा जिंदगी में बहुत सिंपली याद है, एडवर्टीजमेंट से बंदा बिजनेसमैन बनता है, टीचर बंदा रिव्यूज से बनता है। क्लियर कांसेप्ट? तो मैं एडवर्टीजमेंट करने के अगेंस्ट हूं टोटली। हाँ, होर्डिंग वगैरह लगाने पड़ते हैं जिंदगी में, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि मैं पढ़ाता हूं करके। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो यूट्यूब के ऊपर ये चीजें मैं नहीं देता हूं, ठीक है? बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मेरे को तुमको कोई भी वार्निंग, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करनी है। सर बहुत हो गया, आज थोड़ा कंटेंट भी पढ़ा दो, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल टूडे वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक लेक्चर। मैं सब लोगों को बोल दू, ये जो लेक्चर मैं आज कवरअप कर रहा हूं इसे मैं कहता हूं बेसिक लेक्चर फॉर बोथ द मॉड्यूल्स। बोथ द मॉड्यूल्स मीन्स कॉर्पोरेट लॉस एज वेल एज इकोनॉमिक लॉस। आपके सब्जेक्ट में दो बाइफर्केशन है, एक कॉर्पोरेट लॉ का, एक इकोनॉमिक लॉ का, उन दोनों मॉड्यूल्स के लिए लेक्चर अप्लीकेबल है। ये लेक्चर आपको कॉर्पोरेट लॉ के पहले भी एक बार देखना चाहिए और इकोनॉमिक लॉस के पहले भी एक बार देखना चाहिए। आई विल रिकमेंड द सेम बिकॉज कुछ चीजें फ्रेश रही तो बेटर होता है। आज के लेक्चर में हम बहुत बेसिक चीजें देखेंगे। मुझे पता है कि आप सब लोग आईपीसीसी में बहुत अच्छा स्कोर करके सीए फाइनल लेवल पे आए हो, आईपीसी पास करके सीए फाइनल पे आए हो, पर पार्डन मी और आई एम सॉरी, पर मेरे हिसाब से तुमको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं इस स्टांस से शुरू करना चाहूंगा। रीजन इसके पीछे यह है कि बहुत सारी चीजें माइट भी हो सकता है आपको पता है, पर ये चीजें क्रिस्टल करना और उनको दिमाग में बिठाना ये एक बार हो सकता है वापस जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक लेक्चर एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज जस्ट वन थिंग, व्हाट एग्जैक्टली लॉ इज, व्हाई लॉ इज बेसिकली रिक्वायर्ड, व्हाई लॉ इज प्रिपेयर्ड इटसेल्फ, व्हाट इज द प्रोसेस टू प्रिपेयर द लॉ, एंड फ्यू एडिशनल थिंग जो क्लैरिफिकेटरी मैटर में मैं तुमसे बोलना चाहूंगा। सो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, लेट्स गो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वी आर एट सीए फाइनल इन कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉस, सो लेट्स डिस्कस अबाउट सिलेबस। सीए फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस एज पर न्यू सिलेबस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कंपनी लॉ, सेकेंड पार्ट इज इकोनॉमिक लॉस जिसे हम अदर लॉस भी कह सकते हैं। कंपनी लॉ इज हैविंग अ वेटेज ऑफ 70 मार्क्स एंड इकोनॉमिक लॉस आर हैविंग अ वेटेज ऑफ 30 मार्क्स। नाउ टू बाइफर्गेट दिस चैप्टर फर्दर, इन चैप्टर को कुछ और डिविजन में मैं डालना चाहूंगा सो दैट आपको पूरा कवरेज बहुत अच्छे से पता चले। इसलिए कंपनी लॉ इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, अ बेसिक कंपनीज एक्ट, ईयर ऑफ द सेम इज 2013, एंड सेकेंडली सिक्योरिटी लॉ। सेकेंडली विच वन? सिक्योरिटी लॉ। एवरीबडी जस्ट टेल मी, कंपनी लॉ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? टू। फर्स्ट पार्ट कौन सा है बच्चों बोलो? कंपनीज एक्ट, ईयर कौन सा है? 2013। एंड सेकंड पार्ट कौन सा है सज्जन बोलो? सिक्योरिटी लॉ। कंपनीज एक्ट 2013 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द एसेंशियल पोर्शन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ थ्री चैप्टर्स, सीएच इज एब्रिवेशन फॉर चैप्टर्स, एंड आफ्टर दैट देर आर मिसलेनियस कंपनीज एक्ट प्रोविजंस सच एज इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अमलगमेशन, ये सब चीजें। दोज आर नियरली यू कैन कंसिडर 10 to 13 चैप्टर्स। सर हाउ कैन यू टेल 10 to 13 चैप्टर्स? आइदर इट विल बी 10 और इट विल बी 13। डोंट जस्ट टेल फॉल्स थिंग्स, अंडरस्टैंड। As per institute's schedule, those are nearly 10 chapters, but I divide the chapter further into different portion, so it might lead to 13. Okay? I rather always believe that division is the best possible thing, जो आप कर सकते हो किसी भी चीज को समझने के लिए ज्यादा। जब आप चीजों को डिवाइड कर करके पढ़ते हो तो उनके याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइडिया क्लियर है? सो आई विल शो यू द सिलेबस ऑल्सो, जस्ट वेट।
After that, there is a security law which is further divided into two parts. The first part is a SEBI, the Security Exchange Board of India Act, जिसके बारे में आपने IPCC में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 1992. And the second part is a SICRA, Securities Contract Regulation Act. Year is 1956. Now, considering the entire situation, security law under the new syllabus is a part of company law, but under old syllabus, it was part of allied law. And ये topic allied law से उठा के company law में डाला गया है new syllabus में. So those people who are attending allied law, आपका सेबी वाला portion बेटा इसमें cover होगा. ये चीज को थोड़ा सा याद रखना. Concept समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, बोलो सब जन. Yes or no? दूसरी बात, अदर लॉज के अंदर आपको 30 मार्क्स के लिए, मतलब इकोनॉमिक लॉज के अंदर आपको 30 मार्क्स के लिए, देर आर 6 चैप्टर्स. और ये 6 चैप्टर्स कौन से है, ये मैं जब इकोनॉमिक लॉज शुरू करने वाला हूं तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे इकोनॉमिक लॉ के पहले दिन पे. नाउ रिगार्डिंग लाइव बैच, नॉट फॉर वर्चुअल बैच, ये बेसिक लेक्चर के बाद हो सकता है आपका कंपनी या इकोनॉमिक कुछ भी शुरू हो, पर लाइव बैच फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक लॉज. तो कल के लेक्चर में आपको पूरे 6 चैप्टर्स का डिसेक्शन दूंगा कि कौन से चैप्टर का ईयर क्या है, किस तरीके से उसको याद करना है, एक्सेट्रा. सो जस्ट वेट फॉर इट, 6 चैप्टर्स आर देयर, जस्ट अज्यूम दैट. समझ में आ रहा है सबको? हाँ. ये है आपका टोटल सिलेबस. नाउ फॉर ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस के थोड़ा सा डिफरेंस बोल दू, सो दैट सबको इस चीज के बारे में पता चले. ओल्ड सिलेबस वालों को इस कंपनी लॉ टॉपिक में और 3 चैप्टर्स यहां पर पढ़ने हैं जो अभी आईपीसीसी लेवल पे न्यू सिलेबस में एप्लीकेबल किए, इसलिए न्यू सिलेबस में 3 चैप्टर कंपनी लॉ के ऊपर नहीं आते. वापस सुनना मैंने क्या बोला, कंफ्यूजन हो सकता है. ये 3 जो एडिशनल टॉपिक में ओल्ड सिलेबस के लिए बोल रहा हूं, ये एक्चुअली अभी न्यू सिलेबस में आईपीसीसी के पास एप्लीकेबल किए गए हैं, इसलिए सीए फाइनल के न्यू सिलेबस में 3 चैप्टर नहीं है. अब ये 3 चैप्टर कौन से है, दैट इज डिविडेंड, दैट इज अकाउंट्स एंड ऑडिट. ये 3 चैप्टर आपको ज्यादा के करने पड़ेंगे. एंड ओल्ड सिलेबस में अलाइड लॉज में कुछ और 3 चैप्टर नए, मतलब 3 चैप्टर कंपनी लॉ में नए एंड 3 चैप्टर अलाइड लॉ में नए सिर्फ ओल्ड सिलेबस के लिए. वो है बेटा सबसे पहला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेकंड वाला इंश्योरेंस एक्ट एंड थर्ड वाला कंपटीशन एक्ट. ये 3 चैप्टर आपको ओल्ड सिलेबस में नए हैं, ठीक है? नए मतलब ओल्ड सिलेबस में थे, जो नए सिलेबस में नहीं है. सो सिंपली एक चीज एट द फिनिशिंग टच आई विल गिव यू, न्यू सिलेबस वालों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो बैच चल रही है उसी को चलने दो, उसको कंप्लीट कर लो, आपकी बात खत्म. जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये 3 लेक्चर्स और ये 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर और ये 3 चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर आपको हम पेन ड्राइव उसके ऊपर प्रोवाइड कर देंगे, क्लियर है? और जो वर्चुअल में है उनको वर्चुअल में इन्हीं लेक्चर्स के बाद दिखा दिए जाएंगे. आइडिया क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? और इनके नोट्स भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना. किसी को सिलेबस को के बारे में लिखने की इच्छा है? सबको लिखना है? नहीं लिखना है, एक काम करो लिख लो, बाद में तुम मेरे को कुछ क्वेरी पूछोगे, उससे अच्छा लिख लो.
Everybody done? Yes or no? Okay, now let's move forward. Again, finishing line. न्यू सिलेबस वाले ये बात जैसा का वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं. ओल्ड सिलेबस वाले यहां के तीन चैप्टर, यहां के तीन चैप्टर एक्स्ट्रा करने हैं, वो इन्हीं लेक्चर्स के बाद में प्ले कर दिए जाएंगे. ठीक है, लेट्स गो. नाउ आफ्टर दिस विल मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स अबाउट क्वेश्चन पेपर. कि हमको सर क्वेश्चन पेपर कैसे आता है और उसके अंदर कितने क्वेश्चन रहते हैं, ये पहले दिन में डिक्लेयर कर दूं सो दैट आपको एग्जाम में जाके शॉक ना लगे. क्लियर है, लेट्स गो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वन इज कंपल्सरी, जो होता है 20 मार्क का, जिसके अंदर 4 मार्क के 5 क्वेश्चन या 5 मार्क के 4 क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है. क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना. दिस वन इज कंपल्सरी. अब यहां पे टोटल आपके मार्क्स हो गए 20. फिर आपको 7 क्वेश्चन में से एनी 6 सॉल्व करने होते हैं, और ये एनी 6 क्वेश्चन दीज आर ऑप्शनल विच आर 4 मार्क्स इज क्वेश्चन which will be 4 questions total 16 marks multiplied by 6 question that is 96 marks. आपका total paper आएगा 116 marks का. idea clear है मैं क्या कह रहा हूं? So 4 mark के 4 सवाल एक question में, ऐसे 6 question, और पहला question जिसमें 4 mark के 5 सवाल होंगे, total 20 marks के, total 116. कुछ cases में यह भी observe किया गया है कि optional सवालों में किसी एक सवाल में या bifurcated compulsory सवाल में वो हो सकता है 4 मार्क का एक और एडिशनल क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज बीन ऑब्जर्व कि ये पेपर 120 मार्क तक उन सिचुएशंस में जा सकता है, अगर आप थोड़े बहुत भी लकी हो तो. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. सो दिस इज इंस्टीट्यूट पेपर आस्किंग पैटर्न. वन और मोर टाइम्स वी विल ट्राई कि हम एक आधे पेपर को बीच में देखें, लेकिन अभी दिखाऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे, तो एट द एंड ऑफ द बैच कहीं तो भी देखने की कोशिश करेंगे. बट फिलहाल आप इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पूछने का तरीका एटलीस्ट जान लो, लिख के रखना इसको. ठीक है, गो फॉर इट फास्ट. Done everybody? Yes or no? Okay. Now let's talk about notes. कि आपको notes कौन कौन से form में मिलने वाले हैं. Then we'll move forward. Okay? Let's go. Everybody please concentrate on the board. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टोटल सिलेबस में लेट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज कंपनी लॉ एंड सेकंड पार्ट इज इकोनॉमिक लॉस. नाउ इन केस ऑफ कंपनी लॉ, सबसे पहले तो मैं आपको दो टाइप के नोट्स इश्यू करने वाला हूं. फर्स्ट इज मेन कंसेप्ट मॉड्यूल, पूरा का पूरा कंसेप्ट मॉड्यूल होगा ये. इसके अंदर सभी कंसेप्ट कवर किए जाएंगे, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड किए हुए और इंस्टीट्यूट ने ना रिकमेंड किए हुए बोथ. और दूसरा आपका एक क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल रहेगा, जिसके अंदर हम ट्राई कर रहे हैं कि लास्ट एग्जाम तक के सभी क्वेश्चंस, आरटीपी के सभी क्वेश्चंस, ये सब के सब एक जगह पे जाके जमा रहे. इन एडिशन टू दिस आई विल बी गिविंग यू अ शॉर्ट नोट्स मॉड्यूल, जिनको मैं बुलेट ट्रेन रिविजन करके नाम दिया है. इसके अंदर आपका कंपनी लॉ का पूरा रिवाइज्ड सिलेबस रहेगा, एज पर मी कौन कौन से पॉइंट आपको रिवाइज करने चाहिए ड्यूरिंग लास्ट मंथ या फर्स्ट और सेकंड रिवीजन के वक्त. सेम गोज विद द इकोनॉमिक लॉस. इन इकोनॉमिक लॉस ऑलवेज यू विल बी हैविंग अ कंसेप्ट मॉड्यूल एज वेल एज यू विल बी हैविंग अ क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल, एंड इन एडिशन टू दिस वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द शॉर्ट नोट्स व्हाट एग्जैक्टली लॉस विल बी एप्लीकेबल टू यू, उसके बारे में सभी का सभी शॉर्ट में, सो दैट यू कैन रिवाइज इट वाइजली. इसके एडिशन में इतनी चीजें तो कंफर्म है, इसके एडिशन में अगर कभी कोई चीज डिक्लेयर होती है तो आपको कंफर्म हो जाएगी, एंड इट इज माय प्रॉमिस कि वो आप तक के पहुंच जाएगी एटलीस्ट अप टू द सेंटर्स या अप टू पुणे ऑफिस. आपको सिर्फ उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, रिगार्डिंग द सेम आपको मैसेज भी आ जाएगा. तो इतनी चीज हम फिलहाल दे रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर. ये चीज होने के बाद टोटल
जितनी चीजें मुझे बतानी थी रिगार्डिंग नोट्स वगैरह वो सब हो गया. नाउ आई विल स्टार्ट विद द पोर्शन टुडे. जैसे मैंने आपको बोला कि आज का लेक्चर बेसिकली सिर्फ इस चीज के बारे में है कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द लॉ, व्हाट डू मीन बाय लॉ एक्सेट्रा. मुझे पता है कि आपने सीपीटी में तीन लॉज पढ़े थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ईयर 1930 एंड ईयर ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, अगेन वी विल रिवाइज द ईयर वंस. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईयर 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932. व्हाई वी हैव रिवाइज द ईयर, आस्क मी व्हाई. क्योंकि अगर सीपीटी का कभी किसी बच्चे ने सवाल पूछ लिया तुमसे तो इज्जत बनी रहे. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. नाउ विल मूव फॉरवर्ड. उसके बाद में आपने आईपीसीसी में कुछ लॉस पढ़े थे, जैसे आईपीसी में आपका पहली बार पाला पड़ा था कंपनीज एक्ट 2013 से. बोलो हाँ, मेरे हिसाब से आपको उसका कुछ नहीं आता. दूसरा आपका पाला पड़ा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से, जिसका ईयर आपने जिंदगी में ट्राई नहीं किया याद करने का. फिर तो प्रोविडेंट फंड की तो बात ही अलग है. तो और फिर तो भैया ग्रेचुटी एक्ट ने तो हारी मान ली, बोले जान दे तू करीज मत याद. और निगोशिएबल का ईयर जितना पुराना है वो बोलता रहन दे यार, तू याद कर लेगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा, उसे अच्छा नको. इसलिए इन एक्ट की ईयर तुमने याद करने की कभी कोशिश की ही नहीं. बट स्टिल एक बार मैं बोल दू, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज 1881. इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर. 18 साल से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करना शुरू कर सकते हो और सठिया आने तक के, और सठिया आदमी जाता है 81 साल में. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो 18 इयर्स टू 81 इयर्स 1881, वेरी सिंपल, क्लियर है. उसके बाद में दूसरा है प्रोविडेंट फंड एक्ट. प्रोविडेंट फंड का ईयर है 1952. प्रोविडेंट फंड ये तब शुरू की हुई घटना है जब गवर्नमेंट को बहुत पैसे की जरूरत थी, और गवर्नमेंट को जरूरत पैसे की इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इमीडिएटली थी, इसलिए ईयर है 1952. बोलो हाँ, क्लियर है. अब इसके अलग आपने कुछ भी सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये हिस्ट्री उसका है. तीसरा वाला, द थर्ड वन इज ग्रेटुटीज एक्ट, सॉरी बोनस एक्ट, जिसका ईयर है 1965. इसको याद करने का मेरे पास कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है, ऐसे ही याद करना. चौथा आपका एक्ट है ग्रेटुटीज एक्ट, जिसका ईयर है 1972. कॉन्ट्रैक्ट के ईयर में 100 साल ऐड कर दो तो बन जाएगा ग्रेटुटीज एक्ट का ईयर 1972. आइडिया क्लियर है? और कंपनीज एक्ट का तो तुम भूले तो मैं मर्डर कर दूंगा एक हद दिन. दैट इज ईयर कौन सा बोलो, 2013. आइडिया क्लियर है? सो एक बार सभी ईयर बोलो. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, क्लियर है. प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, पैसा चाहिए था 5 साल के अंदर. उसके बाद में बोनस एक्ट, कोई तरीका नहीं है ऐसा याद रखो, 1965. और उसके बाद में 100 साल ऐड करो ग्रेटुटीज एक्ट 1972. हो गए यार, सिंपल चीज थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं आज के डेट में. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. तो आईपीसी के बच्चों के सामने भी अपनी इज्जत बरकरार है. ठीक है, आगे. ये होने के बाद में, इतने सारे लॉस पढ़ने के बाद में, एक सवाल तुम्हारे सामने आज भी वैसा ही रहने वाला है. व्हाट इज लॉ, व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड, एंड व्हाई आई शॉल रीड द सेम. रीड द सेम का आंसर तो यह है कि आपके सिलेबस में है. रहे ये दो सवाल, तो इनका आंसर ढूंढना शुरू करते हैं. फर्स्ट सवाल, व्हाट इज लॉ, और रूल तो एप्लीकेबल है, मुझे रिप्लाई चाहिए. एनीवन? और नहीं तो ना, मैं स्पेसिफिकली पूछना शुरू करूंगा, मैं बहुत खराब आदमी हूं, मेरे ऊपर भरोसा करना ही मत, मैं किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता हूं. सो टेल मी व्हाट इज लॉ, एनीवन? हां, रेज योर हैंड आराम से एकदम, ठीक है. एंड लाइव वाले टेंशन मत लो, किसी ने आंसर दिया तुम्हारे ऊपर कैमरा नहीं आने वाला, ठीक है, डोंट लोड, टेक अ लोड, ठीक है. सो एंड वर्चुअल वाले तुम्हारे ऊपर तो कैमरा ही नहीं आने वाला, ठीक है. बोलो बेटा, सो कैन आई से लॉ इज अ रूल टू मेक अ पर्सन सिविलाइज्ड? सिनॉप्सिस कि कुछ और कहना चाहते हो? जैसे आंसर है, मैं आंसर शेयर करना चाहूंगा. लॉ, हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं तो एक जीने का ढंग होना चाहिए, सब जन ठीक से रहने चाहिए, इसलिए लॉ इज अ रूल, मतलब लॉ ये रूल्स होता है सर. आई गेस मेरे क्वेश्चन पूछने में शायद कोई गलती हो गई है, मैं उसको थोड़ा रिफ्रेश करना चाहूंगा, हो सकता है गलती हुई हो. व्हेन आई से व्हाट डू मीन बाय लॉ, आई मीन टू आस्क यू कि लॉ की जरूरत क्या है. आई डोंट मीन टू आस्क यू कि लॉ होता क्या है, आई मीन टू आस्क यू लॉ की जरूरत क्या है. सी, आई एम आस्किंग यू व्हाट एग्जैक्टली द डिसीज इज. मैं तुम्हें डिसीज पूछ रहा हूं, मैं तुम्हें ट्रीटमेंट या सिम्टम नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुम्हें डिसीज पूछ रहा हूं कि क्यों मुझे लॉ लाना पड़ा. व्हाट वाज द डिसीज जिसकी वजह से मैंने लॉ लाया. एज अ फ्रेंड,
एक सर ने अपने को आंसर दिया कि सर लॉ इज अ रूल फॉर अ सिविलाइज्ड सोसाइटी. नाउ टेल मी, क्रिएटिंग अ रूल इज अ डिसीज और इट इज अ ट्रीटमेंट. मुझे डिसीज चाहिए. माइट भी मैंने क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं किया तो आंसर वैसा आया होगा. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगेन ट्राई टू रिफ्रेज, व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड. यस ठीक है. मैं, मेरा इंग्लिश इतना माशाल्लाह है तो मैं तो पहले आधे तरीके में मैं तो भसक गया था बीच में से. ठीक है, ये लड़की तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी कि क्या चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो रिगार्डिंग द सेम, नो नॉट इशू. मुझे आंसर पूरा समझ में आ गया. व्हाट ही मीन टू से आई विल एलैबोरेट. ठीक है, बीइंग अ ट्रांसलेटर ऑफ कोर्स, लो वो कहना चाहते हैं कि इट इज अ एक ऐसा सिचुएशन, एक जरिया है जिससे हम किसी भी बंदे का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी भी तरीके से उसका बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं ये चीज सही है ये चीज गलत है. कैन आई से दिस इन सिनॉप्सिस और कैन आई से दिस? ओके, बट व्हेनेवर, बेटा व्हेनेवर यू यूज द वर्ड कंट्रोल, वी आर ड्राफ्टिंग अ थिंग फॉर अ कंट्रोल. व्हेनेवर यू यूज द वर्ड कंट्रोल, द डेफिनेशन फॉर मी ऑफ अ डिसीज इज नॉट बींग पिंड आउट. Whenever you use the word control, मेरे लिए वो definition law का नहीं होता है, disease का नहीं होता है, मेरे लिए वो definition हो जाता है treatment का. Because control word तही आता है जब treatment होता है. Right, absolutely right. Whatever you are saying is right. But I want to go to the grassroot, that to know why itself laws are made. Imagine, we used to live in Stone Age also, right? हम Stone Age में भी रहते थे. Stone Age में आपने कभी देखा इंसान जब first time बना था ना Stone Age में, कैन यू थिंक कि उसको कोई लॉ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? क्या लगता है, हुआ होगा? स्टोन एज में कोई लॉ हुआ होगा? हाँ, स्टोन एज में जमात रहती थी, बिरादरी रहती थी, आदिवासी रहती थी, खाप रहता था, उनका एक आधा लॉ हुआ होगा. पर इमेजिन जब खाप नहीं था, जब कोई ग्रुप नहीं था, लोग ऐसे ही रह रहे थे जस्ट फॉर सर्वाइवल. टेल मी वेदर देर वॉज एनी लॉ? इट वॉज टोटली जंगल राज. खुद को जिंदा रखो, बाकी बाद में. इट्स वेरी सिंपल. आई एम आस्किंग यू कि उसके बाद में ऐसा क्या हो गया कि हमको लॉज की जरूरत महसूस होने लग गई? एनीवन नो? यस, और तूने मेरा पहला लेक्चर किया है ना. ओके, ऐसा एकदम पिन पॉइंट आंसर है, मेरे को समझ में आ जाता है कि बंदा रिपीट में पहले लेक्चर में आया है. ठीक है, इतना क्रिएट तो आसानी से नहीं हो सकता. नो, लेट्स डिस्कस. सो राज तो खोल दिया है बंदे ने. राज ये है कि भैया सर सिचुएशन रिक्वायर्स अ लॉ, बट वो भी उसने मिट्टी खाई थोड़ी सी. कोई बात नहीं बेटा, सिचुएशन वाई रिक्वायर्स अ लॉ उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहां पे. ठीक है, लेट्स गो. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टोन एज इटसेल्फ. हाँ, मिट्टी नहीं खानी है क्या? हाँ, क्लैरिफाई, नो प्रॉब्लम. वेरी गुड, वेरी गुड, वेल ट्राई. ठीक है, लेट्स गो. सर, सो लेट्स गो टू स्टोन एज. देखा होगा फिल्म स्टोन्स कार्टून बचपन में 90s, या नो? ओके, स्टोन एज में हम जब रहते थे तो हम सिर्फ एक ही काम करते थे, हमारा सर्वाइवल. ठीक है, शिकार करना, खाना पीना, एक्सेट्रा. इमेजिन करो स्टोन एज से हम धीरे धीरे मॉडर्न वर्ल्ड में आए. लेकिन जब हम स्टोन एज में रहा करते थे, वी हैव ओनली वन, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं सीधा, वी हैव ओनली वन मीन ऑफ कन्वेंस, दैट इज ग्यारह नंबर की बस. दो पैर चलाओ, कहीं पे भी चल लो, राइट? मुझे एक बात बताओ, स्टोन एज से लेके आज तक, स्टोन एज से लेके आज तक हम चलते आ रहे हैं, आज भी हम चलते हैं. दिन में कितने जगह पे जाते, कितने जगह से आते हैं, पर कभी गौर किया, कभी गौर किया, स्टोन एज से लेके आज तक ये चीज हमने इनफाइनाइट बैड कर दी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोगों ने कर दी, बट फिर भी आज के डेट में चलने के लिए कोई लॉ नहीं है कि आदमी कैसा चले. इजंट इट वियर्ड? कल साला एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो उसके बारे में लॉ आ जाता है. ये तो हम चलना तो इनफाइनाइट जमाने से कर रहे हैं. कभी ऐसा कभी लॉ देखा कि नहीं, घर से सवेरे निकलते हो लेफ्ट पैर ही डालना चाहिए, गाड़ी चलाते हो राइट पैर से किक मारनी चाहिए? इट वॉज नेवर लॉ, और ये कभी लॉ बन भी नहीं सकता. अब डिफरेंस समझो, ये क्यों लॉ नहीं बन सकता?
ये लॉ इसलिए नहीं बन सकता बिकॉज इन चीजों से चलने की वजह से आज तक किसी को कोई डैमेज नहीं हुआ। आपने हार्डली किसी ऐसे बंदे को देखा होगा जो चलते चलते दूसरे बंदे को भिड़ गया और दोनों आईसीयू में एडमिट हो गए। इट्स नॉट पॉसिबल। और वहां टाइम भी जाया नहीं ज्यादा जाता, हार्डली एक सेकंड दो सेकंड एक दूसरे को गाली देता है, ओके रख लो गिफ्ट। सो दिस इज हाउ द बेसिकली वॉकिंग इज अ डेली एक्टिविटी फॉर विच लॉ इज नॉट प्रिपेयर। इमेजिन सवेरे से उठने से लेकर रात को सोने तक कितनी चीजें हम जिंदगी में ऐसे करते हैं जिनके लिए लॉ नहीं है। सवेरे उठना, ब्रश करने के लिए लॉ नहीं है, नहाने के लिए लॉ नहीं है। कोई लॉ में नहीं लिखा है दिन में नहाना चाहिए, ये तो बेचारा तीन दिन से नहीं नहाया। सो देयर इज नो लॉ, सॉरी इट्स जस्ट एन एग्जांपल। सो इट्स नॉट अ लॉ कि तुम्हें नहाना ही चाहिए, इट्स नॉट अ लॉ, ठीक है। सो डेली चीज दिन में हम इतनी सारी चीजें करते हैं जिनके लिए लॉज नहीं है। नाउ व्हाई देयर इज नो लॉ एंड व्हाई फॉर देयर इज स्पेसिफिक थिंग योर लॉ। नाउ इमेजिन करो जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, जैसे आप बाइक निकालते हो, जैसे बाइक हाथ में ले ली लॉ लगना शुरू, राइट। अब थोड़ा और इमेजिन करो, स्टोरेज में हम चलते थे लॉ नहीं था, उसके बाद में हमने घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी यूज करना शुरू किया। आपने हार्डली कभी देखा होगा कि कोई घोड़ा भागते भागते आया, दूसरे घोड़े को बिड़ गया, दोनों घोड़े आईसीयू में एडमिट। ये कभी नहीं होता, हार्डली कभी नहीं होता। कई बैल दूसरे बैल से भिड़ते हुए देखा होगा, वो भी खुन्नस खाके, लेकिन दोनों ऐसे चल रहे हैं, दोनों एक दिख रहे नहीं भिड़ना ही चाहिए, नहीं ये नहीं होता। इसलिए कभी को घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी के ऊपर भी लॉ नहीं था। देन वी एंटर्ड इनटू मॉडर्न वर्ल्ड, और मॉडर्न वर्ल्ड में हमने गाड़ियां चलाना शुरू किया। हम कैसी भी गाड़ियां चलाते हैं, एज वी विश। और गाड़ी चलाते वक्त तो हमारा किधर भी ध्यान रहता है, एफसी रोड पे चला के देखो एक बार, तुम गाड़ी चला रहे हो और सामने एक नजारा आ गया, ओ माय गॉड, एक नजारे से नजर नहीं हटती तो दूसरा आ गया, ओ माय गॉड, दूसरे से नहीं हटती नजर आ गई, ओ माय गॉड। मुझे एक बात बताओ, इसका असर क्या होता है? अल्टीमेटली नजारे रह गए साइड में, तुम्हारी गाड़ी किधर तो भी, तुम किधर तो भी, और एक्सीडेंट। ये बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है, बेटा सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन नहीं बहुत कुछ चला जाता है, खास करके दिल तो, ठीक है। सो हो जाता है क्या बोले एक बार जैसे एक्सीडेंट, और इससे ही और लीड होते हैं बेटा ट्रैफिक जाम। बंदा अकेला गाड़ी चला रहा है, नजारा देख रहा, आजू आजू के सब हॉर्न बहता है, निकलना कब जाएगा यहां से, होता ही नहीं होता। इसके बड़ा एक्सपीरियंस तुमको क्या होगा जिंदगी में, ये सुनो। तो ये जब होने लगा, इमेजिन करो थोड़ा सा कि मैंने तुमको इस हॉल में सबको अपना अपना एक व्हीकल दे दिया और तुमको बोला चलाओ चलाओ। पहले कुछ रूल वूल कुछ नहीं है, तुम कैसे 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 भी चलाना शुरू कर दोगे, एक दूसरे को गाड़ियां ठोकोगे, आईसीयू में एडमिट हो जाओगे, होगा नहीं होगा। दिस एक्सीडेंट्स लीड्स टू एडमिशन इन द आईसीयू एंड दिस ट्रैफिक जाम लीड्स टू लॉस ऑफ टाइम। और जब ये चीज होगी तब हमको जरूरत महसूस होगी, नहीं यार कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे एक्सीडेंट भी ना हो, जिसमें टाइम भी वेस्ट ना हो। तुम इस रूम में गाड़ियां चला रहे थे अपने मर्जी से, एक्सीडेंट एक्सीडेंट कर रहे थे, टाइम पर टाइम वेस्ट कर रहे थे, सब जगह पर जाकर ट्रैफिक जाम। तो फिर मैंने लॉ बनाया कि नहीं, सब लोग अभी सर्कुलर मैनर में गाड़ी चलाएंगे, वो भी रूम के कॉर्नर कॉर्नर से। तो मुझे बताओ ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा। एंड देयर कम्स इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये वो एक्ट है जिसको तुम एक बहुत लेमैन्स लॉ लैंग्वेज में याद करते हो, ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन लॉ। ऐसा कोई जिंदगी में लॉ नहीं है बेटा जो तुम फेंकते हो, अभी ट्रैफिक लॉ में लिखा होगा, अभी ट्रैफिक का कोई लॉ नहीं है। इट इज द ओनली लॉ कॉल्ड एज इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। इसी लॉ के अंदर हमने ट्रैफिक सिग्नल्स डिफाइन किए हैं, इसी लॉ के अंदर हमने सिग्नल्स भी डिफाइन किए हैं। नाउ हमारे लिए सिग्नल की मीनिंग तो बहुत अलग ही होते हैं। व्हेन इट इज अ ग्रीन लेट्स गो, व्हेन इट इज ऑरेंज गो फास्ट, व्हेन इट इज रेड लुक एट हियर देयर इफ नो मामू लेट्स गो। ये सुनो, मामू नहीं दिखा चलो निकलते, ये तो रेड, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। बट लॉ इज नॉट मेड फॉर दैट सेक, लॉ इज जस्ट मेड फॉर द सेक एंड द सिचुएशन कि भैया लोगों को डैमेज होना बंद हो, लोगों को लॉस होना बंद हो, इसलिए इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट है। आइडिया क्लियर है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो एक बार सुनो। सो एक चीज तो आप आज ही समझ जाओ कि लॉ बनाने के लिए बनाया नहीं जाता। पार्लियामेंट के लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो सिर्फ सीए फाइनल के बच्चों को टॉर्चर करने के लिए लॉ बनाए, ना, लॉ बनाया जाता है इस चीज के लिए कि सिचुएशन लॉ का डिमांड रखता है। सिचुएशन कहता है कि मैं संभल नहीं रही, मुझे संभालने के लिए कोई लॉ लाओ, और तब जाके पार्लियामेंट सोचता है कि नहीं यार सच में सिचुएशन नहीं संभल रही, लॉ लाना चाहिए।
इसके कुछ एक दो एग्जांपल्स और देता हूं तो कंसेप्ट और पॉलिश होगा। कभी आपने एक सेकंड होल्ड चल जा, हां ये फोटोज देखे भोपाल गैस ट्रेजेडी, कभी सुना है क्या था भोपाल गैस ट्रेजेडी? गैस लीक हो गया था और गैस लीक हो गया था तो कितने लोग मर गए थे, कुछ आइडिया? लेट्स सी दिस। बात है 2-3 दिसंबर 1984 की, रात को हादसा हुआ था, इसलिए इन बिटवीन 2-3 दिसंबर्स इन ऑकर्ड इन द नाइट ऑफ 2-3 दिसंबर 1984 एट ए यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड अ पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल मध्य प्रदेश। Over 5 lakh people were exposed to the methyl isocyanide gas and other chemical. The toxic substances made its way into and the shanty towns located near to the plant in Bhopal. Methyl isocyanide नाम का एक सब्सटेंस गैसेस फॉर्म में लीक हुआ जो भोपाल के टाउन में फैल गया। Now what is methyl isocyanide? As I belong from the science background in 11th-12th, I can just tell you this thing. मिथिल आइसोसाइनाइट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस जो आप एक सुई के नोक पे लो, निडल के नोक पे लो और किसी को टच कर दो तो आदमी दूसरे सेकंड मरा हुआ पड़ा रहेगा। इट इज दैट पॉइजनस। वो इन सबसे पहले जब आपके बॉडी में टच होता है, आपके बॉडी में आता है तो सबसे पहले वो अटैक करता है नर्व सिस्टम पे, उसको पैरालाइज करता है और उसके बाद में पूरी बॉडी को डीके कर देगा। दिस इज मिथिल आइसोसाइनाइट। बहुत सारे साइंटिस्ट मिथिल आइसोसाइनाइट की टेस्ट पहचानते पहचानते ही मर गए, मतलब उनको टेस्ट जाननी थी मिथिल आइसोसाइनाइड की, उन्होंने जबान पे रखा टेस्ट बोलने के पहले। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इट इज दैट पॉइजनस। और ऐसा सब्सटेंस गैसेस फॉर्म में लीक हुआ है अराउंड एरिया में, मतलब आदमी जो सांस लेगा वो उसकी आखिरी रहेगी। इट वॉज लाइक दैट। एस्टिमेट भरा है ऑन द डेथ टोल, द ऑफिशियल इमीडिएट डेथ टोल वॉज 2,259, मतलब रातों रात जो डेथ टोल हुआ था 2,250 लोग नियरली रातों रात मर गए। इमेजिन नियरली 2,500 लोग ऐसे जो रात को सोए सवेरे उठ ही नहीं पाए। दैट इज द वर्स्ट थिंग एवर हैपन टू एन ह्यूमन बीइंग। द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश कंफर्म नियर टू 3,787 डेथ्स रिलेटेड टू गैस रिलीज। अ गवर्नमेंट एफिडेविट इन 2006 स्टेटेड द लीक कॉज 5,58,125 इंजुरीज इंक्लूडिंग 38,478 टेम्पररी पार्शियल इंजुरीज एंड अप्रोक्सीमेटली 3,900 सीवियरली एंड परमानेंटली डिसेबलिंग इंजुरीज। नेक्स्ट, अदर एस्टिमेट्स that 8,000 died within 2 weeks and near to 8,000 have since died because of such gas leak. Means 16,000 लोग मर गए, ये तो ऑफिशियल फिगर है और जो ऑफिशियल फिगर हमेशा आता है वो तो कम ही होता है, मतलब 16,000 लोग मर गए, 5,00,000 लोग चपेट में आ गए, 4,000 लोग परमानेंटली डैमेज हुए और 40,000 लोग को सीवियर डैमेज हुआ जो परमानेंट नहीं था। और सबसे दुखी की बात ये थी कि यह हादसा होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इस कंपनी को चार्ज करने के लिए कोई लॉ ही नहीं था, बिकॉज यह हादसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम देखा था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्ट्री छोड़ो, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में यह फर्स्ट टाइम था। भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा मास सीवियर डिस्ट्रक्शन यह हिरोशिमा नागासाकी के बाद में शायद पहला होगा, शायद पहला या दूसरा, हार्डली। उसके बाद में जापान की सुनामी वगैरह तो है, बट इट वॉज आर्टिफिशियल डिस्ट्रक्शन, नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। आपको बताइए इसके लिए लॉ ही नहीं था, लॉ ही नहीं था, मतलब कौन सी सिचुएशन में इन लोगों को चार्ज करे कुछ पता ही नहीं था। तब जाके गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक मोड के अंदर पार्लियामेंट में लॉ पास किया, द भोपाल गैस लीक डिजास्टर एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्ड एक्ट 1985। हादसा हुआ 1984 में, 1984 में, और लॉ आया है 1985 में। लॉ का नाम भी देखो, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पिनलाइजिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट हु हैव एवर सफर्ड थ्रू दिस डिजास्टर, वी आर गोइंग टू प्रोसेस देयर क्लेम बिकॉज दे नो दैट सिचुएशन ऑलरेडी ऑकर्ड, वी आर जस्ट हियर टू एक्यूमुलेट अ सिचुएशन, वी आर जस्ट हियर टू हैंडल द सेम। ये होता है लॉ, कि पहले सिचुएशन बाद में लॉ। अगर सिचुएशन ही नहीं है लॉ की जरूरत ही नहीं है, किस बात के लिए लॉ बनाओगे? सवेरे चलने की वजह से किसी को कभी आज तक डैमेज नहीं हुआ, मॉर्निंग वॉक की वजह से कभी किसी को डैमेज नहीं हुआ, इसलिए उसके ऊपर लॉ नहीं है। तुम्हारे ब्रश करने की वजह से किसी को डैमेज नहीं हुआ,
इसलिए कि उसके लिए लॉ नहीं है, तुम्हारे नहाने की वजह से किसी को कोई डैमेज नहीं हुआ इसलिए उसके लिए लॉ नहीं है, पर इसके वजह से हो गया तो लॉ आ गया बेटा। चलो दूसरा एग्जाम्पल, डाउरी हुंडा, बारातियों का स्वागत तो पान परख से ही होना चाहिए, बोलो हाँ है ना। और आपको यकीन नहीं होगा, हम मेट्रो सिटीज में बेटा रहते हैं, हम सिटीज में रहते हैं, आज के डेट में भी तुम गांव खाप वगैरह में जाओ ना, आज के डेट में भी राजस्थान वगैरह के किसी गांव खाप में जाओ, महाराष्ट्र में किसी गांव वगैरह में चला जाओ, आज के डेट में भी बाल विवाह और आज के डेट में भी डाउरी ये ओपन शूट में डिस्कस किया जाता है लोगों के साथ। मेट्रोज में भी है, ऐसा नहीं है, मेरे एक मेरे दोस्त, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कास्ट भी नहीं बोलना चाहूंगा, कास्ट बोल दो लोग ध्यान देने लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त है चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, मैं बोला यार कांग्रेचुलेशन, हाँ बोले फते की बात है, बोला क्या हुआ, कुछ नहीं, बोले शादी कर रहा, मैं बोला अभी शादी अच्छी चीज नहीं होती, इतनी जल्दी मत किया कर, बोला मेरे समाज में तो बहुत अपना नाम है, बोला क्यों क्या हुआ एकदम, बोले 1 करोड़ रेट फिक्स हुआ है, बोले मैं उसको एक बुतर को शर्म नहीं आती क्या, बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट बना 1 करोड़ खुद कमा लेगा, कुछ चला जाएगा तेरा जिंदगी में, 5 साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड के स्टार्टिंग के नहीं, 5 साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड के, पर कमा तो लेगा, इज्जत तो बरकरार रहेगी। एक चीज याद रखना, डाउरी एंड चाइल्ड मैरिज आर टोटली गलत चीज है, और इन्हीं चीजों की वजह से हम दो बड़े प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दैट इज वुमन एम्पावरमेंट हो नहीं पा रहा, और दूसरी चीज कि भैया स्त्री भ्रूण हत्या, ये तो इसी के चेले पुरुष है ना। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि ये चीज को लेडीज भी रोकती है, लेडीज भी अगर इस चीज के ऊपर कभी स्ट्रेस में, नहीं करना ही नहीं है जिंदगी में, नहीं करूंगी शादी, जिंदगी में नहीं देंगे लेकिन दहेज, नहीं तो प्यार में तो सब कुछ जायज होता है ना सर, पर बेटा नॉट अलाउड, दीज आर नॉट द थिंग। मैं तो चाहता हूं कि बेटा ये चीज उल्टी हो जाए, कभी भी इंसान इसके बाद में सोचे तो पहली चीज ये सोचते मेरे को लड़की छोड़, मेरी तो पर्सनली इच्छा, सच्ची बोलता हूं, मेरे को पहली तो लड़की छोड़नी चाहिए, नाम भी सोच के रखा सुदर्शना, दर्शन सुदर्शना सिंपल ऐसे ना, ऐसे कुछ नहीं है, दूसरा रखने वाला, ठीक है लेट्स गो। सो डाउरी प्रोहिबिशन पर होनी लड़की चाहिए, नाउ इट इज अबाउट अ डाउरी प्रोहिबिशन, इस चीज की वजह से हमने और 2-3 प्रॉब्लम्स को पाल लिया है, और आपको शायद पता नहीं होगा ईयर देखो 1961 का, हालांकि डाउरी कितना बड़ा और कितना पुराना प्रॉब्लम है जो इंडिया में चल रहा है, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले सर। नाउ नेक्स्ट वाला, इसके तो क्या कहने, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज 2002, बहुत खास, बहुत ही खास ड्राफ्टिंग है इसका, आप सोचोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे कि ऐसा भी होता है इंडिया में। कसाब, कसाब को जो फांसी लगी इस लॉ में लगी है, वो याकूब मेनन, उसको जो फांसी लगी इसके अंदर लगी है, यहां तक के संजय दत्त जेल में था याद है, वो भी इसी एक्ट के अंदर जेल में गया था, और इस एक्ट का ईयर है 2002। आपको खास बात बताओ, हमारे यहां पे सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट 1993 में ही हो गया था जिसके लिए संजय दत्त जेल में गया था, हालांकि जस्टिस सिस्टम के राइट्स देखो और उसका डिले देखो, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के लिए 2013 में डिसीजन दिया गया कि संजय दत्त 1.5 साल के लिए जेल के अंदर जाएगा, इट टुक देम टू डिसाइड 20 ईयर्स दैट ए पर्सन शॉल गो इन टू जेल फॉर 1.5 ईयर, हाउ ट्रेजेडिक, हाउ आयोनिक सिचुएशन इज, ये सिचुएशन है इंडिया का। और आपको पता है 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में भी कोई सीरियस लॉ नहीं बनता था अगर 2001-2002 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक नहीं होता था, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब उधर सोल्जर चाहे ड्यूटी के ऊपर कितने भी मरे, एक अटैक हो गया पार्लियामेंट में, एक अटैक, इमीडिएटली दूसरे दिन नहीं प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट चाहिए, पागल हो गए हम मर जाएंगे, and it went like this, just read it, you will be surprised कि इंडियन सोल्जर्स की वैल्यू क्या है और पॉलिटिशियंस की वैल्यू क्या है, वो तो सबको पता है, but this is how it is being portrayed, it's wrong. The Prevention of Terrorist Activities Act 2002 was act passed by the Parliament of India in 2002 with the objective of strengthening anti-terrorism operations. The act was enacted to several terrorist attacks that were being carried out in India and especially in response to the attack on the Parliament. The Act replaced the original Prevention of Terrorism Ordinance 2001 and Terrorist and Disruptive Practices TADA. आपने शायद TADA सुना होगा कि लगा तुमको TADA, उसके ऊपर तो गाना भी बना था 90s वगैरह में, if I'm not wrong, सर्च करना गूगल पे मिल जाएगा आज का होमवर्क, ठीक है। सो 1995 में ये लॉ वर्किंग था एंड आफ्टर दैट एंड वॉज सपोर्टेड बाय अ गवर्निंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA, सुना है NDA मतलब, वाह वाह
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बढ़िया एकदम मस्त, बड़ी एनडीए। अरे तुम सीए फाइनल के बच्चे हो, पेपर वेपर पढ़ते हो नहीं जिंदगी में? हैव यू एवर हर्ड यूपीए नेशनल डिफेंस एकेडमी? नहीं, मैं बहुत जिंदा जला दूंगा यहां पे, देखो वहां लॉन्ग फॉर्म लिखा है, नहीं फिर भी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलेंगे अपन। एनडीए सुना है कभी? अच्छा यूपीए सुना है? सुन लो सब, मैं जनरल नॉलेज भी इधर ही दूंगा, आज पढ़ लो सब जिंदगी में, आ जाओ। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इज इक्वल टू अ कांग्रेस गवर्नमेंट प्लस अलाइड पार्टीज। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इज इक्वल टू, बोलो कांग्रेस, बोलो कांग्रेस गवर्नमेंट प्लस अलाइड पार्टीज। एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इज इक्वल टू बीजेपी गवर्नमेंट प्लस अलाइड पार्टीज। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एवरीबडी यू सुन। तो ये एनडीए सरकार ने किया गया था, और एनडीए सरकार ने ये लॉ निकाला था अटल बिहारी वाजपेयी के राज में, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। एंड देन इट वॉज इन 2004, द एक्ट वॉज रिपील्ड इन 2004 बाई यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कोलिनेशन। मतलब एनडीए बीजेपी ने लॉ लाया, नहीं पाई जमाने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, बट फाइन। इन 2002 देयर इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, तो हमको इस लॉ की जरूरत भी नहीं थी। अब आप सोचो, टेररिज्म इज अ एज ओल्ड प्रॉब्लम दैट वी आर सफरिंग थ्रू। अभी कहीं तो भी जाके कंट्रोल में आ रहा है, क्योंकि एक आधा अच्छा प्राइम मिनिस्टर दुनिया को मिला है, इंडिया को मिला है, और उसके वजह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह जैसे एकदम फटे तक के मारी है उनकी, एकदम कान के नीचे तोड़ तोड़ के मारी है, तो टेररिस्ट वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो देखो, पिछले एक हाथ डेढ़ साल में टेररिज्म के न्यूज़ कितने कम हो गए, नहीं तो हर दूसरे दिन न्यूज हुआ था कि कश्मीर में एक टपका, दूसरा टपका, तीन चार सोल्जर चले गए, ये तो हर रोज की बात थी। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पाकिस्तान की वाट लगी हुई थी, और उनको एक चीज तो समझ में आ गई कि आपके घुसके भी मार सकते, दैट वॉज अ पंच टू बी गिवन। बट लॉ रिगार्डिंग द सेम वॉज प्रिवेलिंग इवन आफ्टर, मतलब 20-30 साल हमने प्रॉब्लम सफर करने के बाद ये लॉ आया है। बिकॉज हमने दूसरा जो वॉर लगा था पाकिस्तान के साथ, वो था 1973 में, 1971-73 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके 30 साल बाद वो लॉ क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज वहां से लेकर आज तक तो हम टेररिज्म का प्रॉब्लम सफर कर ही रहे थे। कंसेप्ट समझ में? सो दीज आर सिचुएशनल लॉस। इन सब एग्जाम्पल से मैं अल्टीमेटली कहना क्या चाहता हूं, मैं इन सब एग्जाम्पल से एक ही चीज बेटा कहना चाहता हूं, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सिचुएशन है तो लॉ है, सिचुएशन नहीं है तो लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई आई हैव अ वेरी फेमस सेंटेंस दैट इज क्राफ्टेड बाय मी ओनली, नॉट दैट फेमस, बट आई हैव अ फेमस सेंटेंस रिगार्डिंग द लॉ। आई गेस एवरीवन शॉल रीड इट इन कोऑपरेशन सिंक्रोनाइजेशन रिदम। एवरीवन शॉल रीड इट, इवन वर्चुअल्स। येलो टी शर्ट, आई एम लुकिंग एट यू, ओके, जस्ट रीड, लेट्स गो। इन वर्चुअल्स यू वोंट सी हिम, ठीक है, लेट्स गो। द लॉ इज नॉट से, रेडी 1 2 3 रीड, व्हाट इज इट? द लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक, the situation demands the law, there is history behind every law, if you read the history thoroughly it will help you to understand the law better, following are the examples of the law which came as a consequence from the history। jo maine aapko examples bole wo isi ka part hai, idea clear hai bachcho main kya keh raha hu? zor se bolo sir, no। so sabse pehle apne register mein swachh aksharon mein likhna, why law is required। Why law is required? Question mark। नीचे ये पूरा sentence लिखना, फिर इसके नीचे हम examples लिखेंगे।
everyone done? Now below that, please write down the examples that I have given to you. The first example we have to write, that is a Bhopal gas tragedy. Entire name from here only. Bhopal gas leak disaster and processing of claims act 1985. Then everyone, second thing, that is Dowry Prohibition Act 1961. Done everybody. Next thing, Terrorism in India, Prevention of Terrorist Act 2002. This law is also, इसको पोटा भी कहा जाता है, Prevention of Terrorist Activities Law. Done everybody? Yes or no? Okay. अब हम आगे जाएंगे थोड़ा सा regarding the concepts. ठीक है? Let's go. Now मेरा सवाल next ये है कि इन सब चीजों से हम सीखे क्या? What we have learned from all these things? हमको समझ में क्या आया इन सब situation से? तो I can simply tell this that there are a few factors on which law is based. ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको परखने के लिए, जिनको समझने के लिए, जिनको संभालने के लिए लॉ बनाना पड़ता है. और इन सभी लॉज पर से हम उसका सिनॉप्सिस जरूर निकाल सकते हैं कि ऐसे वो कौन से फैक्टर्स है. द फर्स्ट फैक्टर रिगार्डिंग लॉ इज अ सेफ्टी. हम जब लॉ बनाते हैं तो हम बनाते हैं पब्लिक के सेफ्टी के लिए, कि पब्लिक सेफ रहे, पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए. नाउ सेफ्टी फ्रॉम वॉट? लाइक इन प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, सेफ्टी फ्रॉम टेररिज्म, safety from bomb blast, safety from other damaging things. Now once law provides you the safety, kuch laws ke andar additionally ek aur cheez di jati hai jaise benefit. For example, traffic ka jo hamara law tha, Indian Motor Vehicle Act 1988, wo sirf aapko accident se safety pradan nahi karta, wo saath mein aapka time bhi save karta hai, which is a benefit to you. Nahi to agar traffic jam hote the at random chalane ki wajah se to kitna damage hota tha. So it gives a benefit to you. That is benefit regarding anything. अब जैसे एक और example अगर मैं benefit कर लूं तो income tax act. Do you know? आप सबसे tax collect किया जाता है. ये tax का पहला portion Indian defence में जाता है. That is a safety. और दूसरा portion use किया जाता है Indian infrastructure को maintain करने के लिए. जैसे creation of airports, creation of railways, creation of state transport services etc. आप imagine करो कि अगर आप ये tax pay नहीं करते और आप कहते कि नहीं मैं मेरा ट्रांसपोर्ट मैनेज कर लूंगा, देर वोंट बी एनी एयरपोर्ट, देर वोंट बी एनी रेलवे, देर वोंट बी एनी बस सर्विस, और आपको इसके लिए कितना नुकसान उठाना पड़ता था, थोड़ा सोचो. आदमी को कहीं जाना है खुद का प्लेन लेके जाना पड़ता था, वेदर इट इज गुड, खुद की ट्रेन, इट्स नॉट गुड. सो ऑब्वियस सी बात है कि ऑल्सो प्रोवाइड्स यू विद सम एडिशनल एडवांटेज, दैट वी कॉल इट एज एग्जैक्टली बेनिफिट. सेफ्टी और बेनिफिट के दोनों में से अगर आप मुझे पूछो सर कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, तो बेटा ये कह सकता हूं सेफ्टी इज ऑलवेज एसेंशियल, बेनिफिट हो भी सकता है, बेनिफिट नहीं भी हो सकता. जैसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज आपको सिर्फ सेफ्टी देता है, आपको कभी बेनिफिट नहीं देगा, वो आपको सिर्फ सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगा. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो दो चीजें, सबसे पहला, सब जिन जोर से बोलेंगे, सबसे पहला क्या है? ये जोर से था, एक ही कोऑपरेशन में थम्बा. सबसे पहला क्या है? दूसरा क्या है? एक और बार, पहला क्या है, दूसरा? कंसेप्ट समझ में आया? कल से एक काम करना, क्लास में आने के पहले एक ग्लास ग्लूकोज चढ़ा के आना. और सच्ची बोल रहा हूं, कसम खा के, तुम्हारी कसम, ग्लूकोज चढ़ा के आना. बहुत चिल्लाना पड़ने वाला है तुमको इस क्लास में, हर रोज ही चिल्लाना पड़ने वाला है. सब लोग क्लास में, टीचर बोलते शांत बैठो, मैं हां चिल्लाओ,
जितना चिल्ला वापस चिल्ला, क्या है दूसरा, क्या है कंसेप्ट, समझ में आया सबको? हाँ, ये दो इसेंशियल एलिमेंट तो होते ही है, इसके एडिशन में तीसरा इसेंशियल एलिमेंट होता है, आपको सेफ्टी मिले, आपको बेनिफिट मिले, आपके कॉस्ट पे मिले, किसके कॉस्ट पे मिले, आपके, द सेफ्टी एंड द बेनिफिट शॉल बी एट योर कॉस्ट एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। हालांकि सेफ्टी और बेनिफिट का एक बेस्ट एग्जांपल दू तो दैट इज फायर फाइटिंग सिस्टम। फायर फाइटर्स ये आग बुझाने के लिए भी यूज होते हैं, और यहां तक के बड़े बिल्डिंग्स में जब कंस्ट्रक्शन होते हैं तो फायर फाइटर्स गाइड्स यू कि भैया तुम्हारी बिल्डिंग को फायर प्रूफ किस तरीके से किया जा सकता है और फायर इक्विपमेंट्स कैसे इंस्टॉल किए जा सकते हैं। आपको बताएं, फायर इक्विपमेंट मैनेजमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की जा सकती है, और ये भी बहुत लुक्रेटिव एरिया है। हालांकि अपन सीए में इसका कोई लेन देन नहीं, बट स्टिल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, आप आपके बच्चों को सीए तो नहीं बनाओगे ना, जो आपके साथ हुआ वो आप उनके साथ होने दोगे? बोलो हाँ, है ना। सो देर इज अ काइंड ऑफ ल्यूक्रेटिव सिचुएशन ऑल्सो। बट सर वो सब चीजें छोड़ो, ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। बेटा आपको सेफ्टी मिले आपके खर्चे पे, आपको बेनिफिट मिले आपके खर्चे पे, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। इसका खर्चा किसी और को लगना नहीं चाहिए। नहीं सर समझ में नहीं आ रहा कुछ, ऐसा खुद एग्जाम्पल दो ना सर। तो सुनो, अभी आप सबका एग्जाम है मई में, तो समझो 18 जुलाई 2:11 AM तुम्हारे नाम के पहले लग गया CA। अच्छी स्माइल दो क्या? सो नाम के पहले लग गया CA, तुम बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट आदमी पूरा पागल, ये नाचना शुरू। मैं तो बहुत नाचा था पहले दिन जिस दिन पास हुआ। फिर तुम CA बन गए, तुम्हारा एक ख्वाब होगा मैं जबरदस्त जॉब करूं या खादे का जबरदस्त प्रैक्टिस करूं, टीचिंग वगैरह का रखना मत पहले बोल रहा हूं। So, तुम्हारा एक, और उसमें भी होगा तो लॉ का बिल्कुल मत रखना पहले बोल रहा। सो तुम्हारा एक जबरदस्त ख्वाब होगा कि यार मैं जॉब करूंगा नहीं तो प्रैक्टिस करूंगा। तुमने जबरदस्त जॉब किया, करोड़ों में कमाए। हर इंसान का एक ख्वाब होता है, एक दो ख्वाब होते हैं सॉरी, कि मेरा एक छोटा सा बंगला हो, मेरी एक छोटी सी गाड़ी हो, मेरी एक छोटी नहीं सॉरी छोटी सी बीवी हो, नहीं इट्स क्वाइट रॉन्ग। सो मेरा एक छोटा सा बंगला हो, छोटी सी गाड़ी हो फाइन, और वो गाड़ी मेरे घर के आंगन में खड़ी रहे। सबका ख्वाब है नहीं है? बोलो हाँ है ना, ये तो सपने दिखना शुरू किया ना। समझो तुमने करोड़ों कमाए और तुम्हारा ख्वाब था मैं कार परचेस करूं, तुम गए शोरूम में और परचेस करके आए नैनो कार, गाड़ी छोटी सी। हालांकि नैनो कार सबसे बेस्ट है, पूछो क्यों, कितनी भी ठोको 1.5 लाख का खर्चा पूरी की पूरी नहीं जा रही ना। दूसरी बात, हाथ साफ करने के लिए इससे अच्छी गाड़ी नहीं मिल सकती, बिकॉज कॉस्ट ही ज्यादा नहीं है, कितनी उठो 1.5 लाख है ना। तो तुमने परचेस की नैनो कार, एकदम रेड चिल्ली कलर की, ठीक है, चिल्ली रेड कलर की, माय मिस्टेक, ठीक है। सो तुमने परचेस की नैनो कार चिल्ली रेड कलर की। जिस दिन तुमने कार परचेस की तुम बड़े जोश में थे, कार मेरी दिन मेरा जैसा चाहूंगा वैसा चलाऊंगा। शोरूम के अंदर कार के अंदर बैठे एक्सीलरेटर पे पैर लगाया, फेविकॉल मार के शोरूम फोड़ के गाड़ी बाहर, रोड पे गाड़ी ने स्टेरिंग घुमाया फुल रोड पे फुल स्पीड में, आदमी चल रहा है खिड़कियां नीचे की आओ हवा आ गई, नैनो की फुल स्पीड है 60-70 पर फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहे थे। सामने थोड़ा गए देखा रेड सिग्नल लगा हुआ है, तुमने बोला दिन मेरी कार मेरा, और एक्सीलेटर पे पैर दबाया, गाड़ी ने सिग्नल तोड़ दिया और जाके तुमने ठोक दी BMW 7 सीरीज को। इमेजिन BMW 7 सीरीज नैनो आप भुशुम, BMW का आगे का अंजर पंजर पूरा खत्म हो गया, नैनो कार का तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा नहीं, एक तुम्हारे साइड का दरवाजा बचा था तो क्यों तुमने पकड़ के रखा था। BMW का आदमी कार के बाहर निकल, बाहर निकल, ये क्या कर दिया, तुम कार के अंदर ही बैठ रहे हो, नहीं आई एम सॉरी। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके तुम बाहर निकले, उसने बोला 5 लाख रुपए दे, भाई कार रख ले नहीं चाहिए। नो, नैनो कार का अगर तुम ठोकना देखो BMW 7 सीरीज को, तो BMW 7 सीरीज का टायर विथ इट्स एक्सल, सिर्फ टायर और एक्सल आता है 1,75,000 का, जिसमें पूरी की पूरी तुम्हारी, वो चिल्ला 5 लाख रख ले कार ले जा।
तेरी समझ खुश रहे आज इसलिए ना। मुझे एक बात बताओ, तुमने फुल स्पीड में गाड़ी चलाई, बहुत मजा आ रहा था, तुम्हारा बेनिफिट, तुमने खुद का सीट बेल्ट बांधा, बहुत सेफ्टी बरती, तुम्हारा सेफ्टी, हवा लग रही थी मस्त, तुम्हारा बेनिफिट। पर ये सब चीजों का लॉ तोड़ने के बाद खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? BMW 7 सीरीज। इट इज एट द कॉस्ट ऑफ हिम दैट यू हैव एंजॉयड द बेनिफिट। मे बी इट अ मॉनेटरी, मे बी इट नॉट बी अ मॉनेटरी, डजंट मैटर। हर बेनिफिट मॉनेटरी होना जरूरी नहीं है, कुछ बेनिफिट नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स, जैसे सवेरे उगते हुए किसी सूरज को देखना नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, जैसे शाम में ढलते हुए सनसेट को देखना नॉन मॉनेटरी में, और ढलते हुए सनसेट के साथ में साइड में कोई हो तो बहुत ही नॉन मॉनेटरी हो गया वो। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ। सो बेसिकली अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं, सेफ्टी की बात करें नॉन मॉनेटरी, बट इसका कॉस्ट जो है वो आपने बेयर करना चाहिए अगर कॉस्ट है तो, किसी और ने नहीं। हालांकि इस चीज को कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे रेवेन्यू लॉज, खास करके इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट अमीरों से वसूलता और गरीबों को सेफ्टी और बेनिफिट देता है, सो रेवेन्यू लॉज डज नॉट कम अंडर दिस कैटेगरी। दूसरा, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, आप आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को आपके कॉस्ट के ऊपर सेफ्टी और बेनिफिट देने के लिए रेडी होते हो, दैट इज ऑलवेज फॉर श्योर। सो इन चीजों के अंदर कुछ चीजें एक्सेप्शन है, बट श्योरली हर लॉ के अंदर यह चीज अज्यूम्ड होती है कि भैया नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर ही बेनिफिट जाना चाहिए। देखो, हर लॉ में सेफ्टी लिखना पड़ता है, हर लॉ में बेनिफिट लिखना पड़ता है, पर हर लॉ में नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर लिखने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्टिंग का तुमको इसको वर्ड में देने की जरूरत नहीं है, ये अज्यूम्ड है, ये ह्यूमन मेंटालिटी है, यही तो प्रूडेंशियल पर्सन है, यही तो रैशनल पर्सन है। आइडिया क्लियर है? सो तीन एलिमेंट, सबसे पहला जोर से बोलो क्या है, दूसरा कौन सा है बेनिफिट, तीसरा कौन सा है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और इनसे भी ज्यादा, इनसे भी जरूरी सबसे एंड का चौथा एलिमेंट। अच्छा हाँ, अगर तुमने एट द कॉस्ट ऑफ अदर चोरी चकारी की तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, पुलिस पीछे पड़ेगी, दंडे खाओगे, मार खाओगे, जेल में रहोगे, एक्सेट्रा। पर इनसे भी ज्यादा, इनसे भी जरूरी एक चौथा एलिमेंट बहुत जरूरी होता है, एथिक्स। हर लॉ में एथिक्स होना जरूरी है, पर पहला सवाल तो यह है, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? एनीवन? ये मैं उन बच्चों से पूछ रहा हूं जिनको आईपीसीसी में इथिक्स 20 मार्क के लिए था और कम्युनिकेशन 20 मार्क के लिए, उसमें भी आधे बच्चे पहली चीज ये सोच रहे हैं सर इथिक्स मींस मॉरल सर। हालांकि आईपीसी में 5 मार्क के लिए भी सवाल पूछा जाता था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉरल एंड इथिक्स, इथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ टू फॉलो द प्रिंसिपल्स, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, याद आ रहा है धीरे धीरे? वैसे तो उसको पढ़ा नहीं सर कभी सीरियसली, पता था कि एग्जाम में जाएंगे कुत्ते लिख के आ ही जाएंगे, बहुत इथिक्स देखे सर जिंदगी में, है ना? ओके, कैन आई सी इथिक्स इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन, कैन आई से दिस, सो इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन, लेट्स सॉल्व इट, इट इज ऑल्सो इजी टू डिफाइन, बट एज पर एग्जाम्पल P2 IPCC पास किए थे, अरे हाँ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो तो बोलो हाँ, आईपीसी पास किए थे नहीं किए थे? आईपीसी पास करने के बाद एक चीज जरूर की होगी, पार्टी, बोलो हाँ, है ना? गए डांस वांस करने के लिए एकदम, आज तो मैं शेर हूं, आईपीसी पास किया है, लगे जब एक महीने में आर्टिकल चिप लग गई, आज तो मैं चूहा हूं, ये सुन चूहा नहीं, आज तो मैं कुत्ता हूं, मारो साले को, ये सुन ना, फीलिंग आर्टिकल चिप का मेरे को भी पता है, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, ठीक है, लेट्स गो। सो समझो तुम आईपीसी पास हो गए, एक मस्त डिस्क में तुम डांस करने गए पार्टी के तौर पे, मस्त डिस्क डांस पार्टी जहां अजीबो गरीब लोग नाच रहे थे अपने अपने, ये भी शायद सीए पास किया है, ठीक है, सो और ये भी शायद बुढ़ी दिख रही है इसलिए, ठीक है, सो अजीबो गरीब लोग नाच रहे थे अलग अलग तरीके से, और उन सब लोगों में तुम नाच रहे थे, तुम जब उस डिस्क में नाच रहे, उसको छोड़ो मेरे को देखो ध्यान देना, तुम जब उस डिस्क में नाच रहे थे अपने ही पार्टी में, अपने जोर जोर से नाच रहे, आईपीसी पास हुए थे, एक बंदा दूर बैठा था, ऐसे दूर बैठा था और तुमको गुस्से से देख रहा था, मैं भी तुम्हारा डांस ही ऐसा होगा, सो तुम डांस कर रहे थे, एक बंदा दूर बैठा था तुमको गुस्से से देख रहा था, तुमने थोड़ा ऑब्जर्व किया, गुस्से से देख रहा है, आज मैं आईपीसी पास हूं, एटीट्यूड
तुमने अपना डांस वैसे ही शुरू रखा। फिर थोड़ी देर बाद वो बंदा उठा, उसने एक बोतल ली, तुम्हारा डांस स्लो हो गया। उसने बोतल फोड़ी, तुम्हारा डांस और स्लो हो गया। और आंखों में अंगार लिए वो बोतल को फोड़ के तुम्हारे तरफ दौड़ने लगा, तुम्हारा डांस स्लो मोशन हो गया। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें रीजन पता हो ना पता हो, तुम उस बंदे को जानते नहीं, पहले कभी देखा नहीं, कुछ संबंध नहीं, वो बंदा अगर बोतल लेके तुम्हारे तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, मुझे बताओ रीजन पता हो ना पता हो, अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे नहीं भागोगे, कि वहीं खड़े रहोगे? अब तुम अगर उसी जगह पे खड़े रहे और तुमने लगे जात क्या, हाँ मैंने पिक्चरें देखी है, हाँ पिक्चरें कौन सी, फाइटिंग वाली नहीं, वो वाली कोर्ट रूम के सीन वाली, तुमको क्या लगा फाइटिंग, हाँ कोर्ट रूम के सीन वाली, कोई अगर किसी का मर्डर करता है तो दफा 302 के तहत मुजरिम को सजाए मौत सुनाई जाती है, इंडियन पिनल कोड दफा 302 कोर्ट रूम का सीन, सुना नहीं सुना कभी जिंदगी में, बोलो हाँ नहीं पता आपको, सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड मुजरिम को सजाए मौत नहीं देखा, अरे पिक्चर वगैरह देखते हो नहीं देखते हो, नहीं तुम सीए में हो ना, सॉरी, ठीक है, लेट्स गो। सो मुजरिम को दफा 302 के तहत मौत सुनाई जाती है वगैरह, सुना हो डालो, तो बंदा तुम्हारे पास बोतल लेके आ रहा, तू ना रुक जा, मेरा मर्डर करेगा दफा 302 के तहत तेरे को सजाए मौत फांसी हो जाएगी, अरे उसको दफा बाद में लगेगी, पहले तुम दफा हो जाओगे यहां से, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो तुम अपोजिट डायरेक्शन में भाग, तुमने अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू किया, तुम आगे भाग रहे हो पीछे भाग रहे हो, तुम आगे भाग रहे हो तो पीछे भाग रहे हो, 2-4 किलोमीटर दौड़ लिए, आदमी फ्रस्ट्रेट होगा, सोच रहे मैं क्यों भाग रहा हूं, एंड में तुम फ्रस्ट्रेट होके एक काउंटर के पास गए, तुमने 2 बोतल उठाई, 2 बोतल फोड़ी, उसके अंदर पड़े, आ देखो दो सिचुएशन, पहले केस में अगर उसने तुमको बोतल मारी, रख ले खुश रहे, पहले केस में उसने तुमको बोतल मारी, मर्डर कर दिया तुम्हारा, मुझे एक बात बताओ, शायद उसको पार्टी में मजा नहीं आ रहा होगा, तुमको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा इसलिए उसने तुमको बोतल मारी, पर ये चीज इथिकल है या अनइथिकल है? चलो ठीक है, तुमको तो मारी है, तुम तो अनइथिकली बोलोगे, वहां पे खड़े जितने भी लोग हैं या पीके पड़े जितने भी लोग हैं, किसी से भी पूछ लो ये चीज इथिकल होगी या अनइथिकल, क्या बोलेंगे वो, इथिकल या अनइथिकल, जोर से बोलो, क्या बोलेंगे वो? वही दूसरे केस में, दूसरे केस में उसने बोतल मारने के पहले तुमने उसको 2 बोतल दे मारी, 2, उससे एक ज्यादा, उससे डबल, वो भी सेल्फ डिफेंस में, मुझे बताओ अगर तुमने सेल्फ डिफेंस में उसको 2 बोतल दे मारी, एथिकल हुआ या अनएथिकल हुआ, जोर से बोलो, एथिकल। अच्छा तुमने तो मारी है, वहां पे खड़े या पड़े किसी को भी पूछ लो, बोलना मैंने सेल्फ डिफेंस में इसको मारा, इच्छा नहीं थी पर मारना पड़ा, पूछना एथिकल या अनएथिकल, क्या बोलेंगे लोग? ये होता है इथिक्स। इथिक्स मतलब क्या होता है आपको बताओ, सिचुएशन का जजमेंट तुम्हारे हिसाब से, जो ये चीज बोल दे क्या सही है क्या गलत है, इसे हम इथिक्स कहते हैं। इथिक्स मतलब धर्म, और भगवत गीता में लिखा है कि धर्म हा मतिभ्य उद्घृतः, बोलो वाह वाह, धर्म हा मतिभ्य उद्घृतः, धर्म मति से जन्म लेता है, मति मतलब दिमाग, दिमाग से धर्म जन्म लेता है, और दिमाग हमेशा सिचुएशन को एनालाइज करता है। तो इथिक्स का कोई भाई डेफिनेशन नहीं हो सकता, इथिक्स का डेफिनेशन एक ही डेफिनेशन है, सिचुएशन को देख के हाँ या ना, दैट इज द ओनली डेफिनेशन इथिक्स इज हैविंग। और जब ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते हाँ या ना, उस चीज को कहते हैं इथिकल डायलेमा। सर इथिकल डायलेमा कैसे? इथिकल डायलेमा बहुत सिंपल चीज है, जब दो बुरी चीजों में से एक को सिलेक्ट करना है या दो अच्छी चीजों में से एक को सिलेक्ट करना है तब इथिकल डायलेमा होता है। फॉर एग्जाम्पल, नाम बोलोगे आपका? वैभ्या। कार्यक्रम की पात्र और घटना काल्पनिक, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, यदि किसी घटना के साथ समानता होती है तो मात्र संयोग कहा जाएगा, ठीक है? सो वैभ्या, विजया, वैभव और विजय तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है। कैसे वाले फ्रेंड है? बेस्ट। वैभव को स्विमिंग नहीं आता था और विजय को स्टंट मारने की बहुत इच्छा रहती थी हमेशा। एक दिन तुम्हारा घर नदी के किनारे था, वैभव और विजय तुम्हारे घर पे आए थे, वैभव नदी के किनारे पे खड़ा हो गया, बोले आज तो मैं इसी नदी में कूद के स्विमिंग सीखूंगा, और विजय उधर स्टंट मारने के लिए रेडी था, जिसमें उन्हें उसने मुंह में रॉकेल रख लिया था, एक माचिस की तीली भड़का ली थी और बोले आज फूकूंगा। वो नहीं पिक्चर में नहीं देखा क्या, बड़ा साला आग बनता है, तो स्टंट मार रहा था, इधर स्विमिंग सीख रहा था, तुम घर की तरफ जा रहे थे, इधर वैभव इधर
विजय, जैसे ही वैभव ने नदी में कुदी डाली, इधर विजय ने आग भड़का ली, वैभव डूबने लगा, विजय जलने लगा। मुझे बताओ किसको बचाओगे? दोनों में से एक कोई बचा सकते, टाइम भी लिमिटेड है। उसको बचाने गए तो ये जल जाएगा, इसको बचाने गए तो वो डूब जाएगा, क्या करोगे? इसमें कुछ बच्चे सोचते हैं, सर मैं विजय को लेके पानी में कूदूंगा फिर वैभव को बचाऊंगा। मैंने इसलिए बोला टाइम बहुत लिमिटेड है, अपने परम्यूटेशंस मत लगाओ। और तुम उसको पकड़ोगे कैसे ये तो बताओ पहले। नहीं आ मेरे विजय, चल दोनों जलते हैं। बेटा इस चीज को कहा जाता है इथिकल डाइलेमा, कि जब तुमको दो बुरी चीजों में से एक चीज को सिलेक्ट करना है। अब इसमें तुम क्या सोचोगे, पार्टी किससे मिलेगी? बात तो उसी के ऊपर खत्म होती है ना आके। सो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज एथिकल डायलेमा। इसलिए मैं कहता हूं लॉ बनाने के बहुत चार एलिमेंट बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो चार एलिमेंट बस यही है। तुम सिर्फ इंडिया की लॉ की बात मत सुनो, तुम दुनिया का कोई भी लॉ उठा के देख लो, यहां तक कि अगर मंगल ग्रह पे भी लॉ बना होगा तो यही चार चीज होगी जिसके हिसाब से बना होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? दैट इज सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, एंड एथिक्स। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनो, उसमें नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर और एथिक्स ये अज्यूम्ड है। दीज आर अज्यूम्ड थिंग, दीज आर नॉट डिफाइंड। लॉ में पहला सेक्शन के अंदर कभी ऐसा नहीं लिखा जाता कि दिस लॉ इज टोटली इथिकल लॉ फुल स्टॉप। नहीं, इट इज अज्यूम्ड कि ये इथिकल है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर इज अज्यूम्ड एंड एथिक्स इज ऑल्सो अज्यूम्ड। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? हालांकि ये दो चीजें ड्राफ्टिंग में लिखना जरूरी है। ये दो चीजें कहां लिखना जरूरी है? ड्राफ्टिंग। आइडिया क्लियर है बच्चों क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सर ना। सो मैं चाहूंगा अगला क्वेश्चन बुक के अंदर लिखना, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड। तो उसके नीचे चारों फैक्टर्स लिखना, और जो मैंने सामने ड्राफ्टिंग और अज्यूम्ड अज्यूम लिखा है वो भी लिख लेना। गो फॉर इट फास्ट। Done everybody? Yes or no? अब एक छोटा सा एनालिसिस मुझे करना है। अब देखो ये दोनों चीजें तो अज्यूम्ड है, तो ये दो चीजें तो मैं कंसिडर नहीं कर सकता कि लिखनी पड़ेगी, पर जो दो चीजें लिखनी है मैं उन दो चीजों को थोड़ा कंपेयर करना चाहूंगा। जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। चार्ट इज क्वाइट लाइक दिस, सेफ्टी बेनिफिट, लॉ का ड्राफ्ट नंबर वन, लॉ का ड्राफ्ट नंबर टू, लॉ का ड्राफ्ट नंबर थ्री, लॉ का ड्राफ्ट नंबर फोर। You have to tell me which of them can be a law and which can be a best law. Okay? Let's go. If I say in the law draft one, आपने safety का drafting ही नहीं किया, आपने benefit का drafting ही नहीं किया. Tell me whether it can be a law. जोर से बोलो, whether it can be a law. सब जन बोलो, जोर से बोलो, whether it can be a law. No. Because primary important safety है, वो तो होना ही चाहिए, so it cannot be a law. दूसरे केस में सेफ्टी नहीं था पर बेनिफिट था, whether it can be a law. जोर से बोलो, नहीं। ऐसा बेनिफिट क्या काम का जो किसी के सेफ्टी को डैमेज कर जाए। तीसरे केस में सेफ्टी था पर बेनिफिट नहीं था, वेदर इट कैन बी अ लॉ। यस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेस एक्टिविटीज लॉ इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन। क्लियर? प्रिवेंशन ऑफ ट्रेस एक्ट आपको सिर्फ सेफ्टी देता है, बेनिफिट नहीं देता। ट्रेस एक्ट कभी यह नहीं कहता कि हर एक बंदा सेफ तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक रिवॉल्वर लेके घूम सकता है, और लड़की रही तो एक AK-47 और एक ग्रेनेड, किसी ने छेड़ा। Yes or no? So law does not speak about the same. It just provides you the safety. कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। And last one, law four, सेफ्टी भी है, बेनिफिट भी है। तो मुझे बताओ ये लॉ बन सकता है क्या? यस yes. अब इसमें सवाल उठता है बेटा कौन सा वाला बेस्ट लॉ है। पहले दो तो बन ही नहीं सकते, तो इन दोनों के तो एग्जाम्पल है ही नहीं। दूसरे दो बन सकते हैं, तो कौन सा वाला बेस्ट होगा? द फोर्थ वन विल बी हैविंग अ फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द थर्ड वन विल बी हैविंग अ सेकंड प्रायोरिटी। Idea is clear? Do you understand what I'm trying to say? Just write it down. Go for it fast.
चलो मूव फॉरवर्ड. ब्रेक चाहिए इतनी जल्दी? 5 मिनट तो है मैंने पढ़ाना शुरू किया था. ठीक है आप कहते हो इसलिए 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे. We'll be right back.
ओके सो आफ्टर ब्रेक लेट्स स्टार्ट. टिल नाउ अभी तक हमने देखा है कि लॉ क्यों बनाया जाता है, बिकॉज लॉ इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सिचुएशन, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, तो हम लॉ ड्राफ्ट करते हैं. कुछ एग्जांपल्स हमने सिचुएशन बेस्ड लॉ के देखे थे, फिर उसके बाद में हमने ये सोचा कि बेसिक लॉ बनाने के लिए कौन से फैक्टर्स नेसेसरी है, तो वी गॉट द आंसर कि चार फैक्टर्स लॉ बनाने के लिए नेसेसरी है. एक बार सबजन बोलेंगे, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, जोर से बोलो क्या है, सेफ्टी, दूसरा बेनिफिट, तीसरा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और चौथा एथिक्स. तो एवरीवन इज क्लियर. नाउ आफ्टर दिस लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन. बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेट करना तभी जाके समझेगा. लेट्स गो. हाउ इज लॉ मेड? लॉ पास करने का इंडिया में प्रोसेस क्या है? हम किस तरीके से लॉ पास कर सकते हैं? कोई हर लॉ का डिफरेंट प्रोसेस है या हर लॉ किसी एक ही प्रोसेस में पास हो सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं एक बेसिक आंसर देना चाहूंगा. इंडिया की जो लॉ सिस्टम है वो तीन लिस्ट्स में डिसाइडेड है. कितने लिस्ट में डिसाइडेड है? तीन. एक लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, और एक लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लॉ जो पूरे इंडिया में जैसा का वैसा एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ J&K. स्टेट लॉ मतलब किसी स्टेट का लॉ, जैसे महाराष्ट्र में गुटखा बैन है. गुटखा बैन सबको वैसे ना, और गुजरात में लिकर बैन है, बिहार में भी लिकर बैन है, यकीन नहीं होता पर है. सो बिहार में भी लिकर बैन है, तो ये हुए बेटा स्टेट लॉ. अब क्या महाराष्ट्र में गुटखा बैन होने से और बिहार में लिकर बैन होने से पूरे इंडिया में लिकर और गुटखा बैन हो गया? नो, इट इज रिगार्डिंग दोज टेरिटोरीज ओनली. अब अगर हम इसके अंदर आगे बढ़े तो तीसरा लॉ आता है कॉन्करेंट लॉ. व्हाट इज कॉन्करेंट लॉ? व्हिच इज एप्लीकेबल एज पर सेंटर एज वेल एज एप्लीकेबल एज पर स्टेट. द बेस्ट एग्जाम्पल इज GST. एज यू नो GST का एक पोर्शन जाता है सेंटर को, एक पोर्शन जाता है स्टेट को. CGST, SGST. दिस इज अ कॉन्करेंट लॉ, अप्लीकेबल एट द बोथ द लेवल्स. कुछ रेवेन्यू पार्ट स्टेट शेयर करेगा, कुछ रेवेन्यू पार्ट सेंटर शेयर करेगा. पर पास करने के तरीके दोनों लॉज के, तीनों लॉज के दो ही है. जैसे सेंट्रल और कॉन्करेंट लॉ के लिए पूरे इंडिया का एक तरीका और स्टेट लॉ के लिए स्टेट लॉ का तरीका. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेंट्रल लॉ तरीका एंड स्टेट लॉ तरीका पैरेलली. आई विल ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन और मैं इसके ऊपर बताऊंगा स्टेप्स क्या है लॉ पास करने के. हर लॉ में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है बेटा ड्राफ्टिंग. जोर से बोलो, क्या होती है जोर से बोलो एक बार, ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग इज अ प्रिलिमिनरी प्रोसेस टू डिसाइड द एनी लॉ. ड्राफ्टिंग का मतलब लिखना, लॉ को बैठ के लिखना कि आपको लॉ से एक्सपेक्टेड क्या है, क्रिएटिंग अ ड्राफ्ट जो आगे लाके लॉ बनेगा. इस ड्राफ्ट को पहले नाम दिया जाता है बिल. क्या नाम दिया जाता है? बिल. और जब यह पास हो जाएगा तो इसका एक तो नाम रहेगा एक्ट, नहीं तो इसका नाम रहेगा कोड. कोड हमें जैसे कोड एप्लीकेबल है IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. तो आई विल टेल यू अ डिफरेंस बिटवीन कोड एज वेल एज लॉ और एक्ट एट द टाइम व्हेन वी विल गोइंग टू रीड द IBC. बट फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो है ड्राफ्टिंग. और सवाल उठता है सर ड्राफ्टिंग कौन कर सकता है? क्या सर आप सवाल ड्राफ्ट कर आप ड्राफ्ट कर सकते हो? क्या सर हम ड्राफ्ट कर सकते हैं? या ड्राफ्टिंग किसी स्पेसिफिक पर्सन नहीं करना चाहिए? एक बात याद रखना, ड्राफ्टिंग आप भी कर सकते हो, ड्राफ्टिंग मैं भी कर सकता हूं, पर हमारे ड्राफ्ट वहां चलेंगे नहीं बिकॉज हमारा कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है. पर ड्राफ्टिंग एक्चुअली कोई भी कर सकता है, एक्चुअली कोई भी कर सकता है. मतलब थ्योरेटिकली ड्राफ्ट कैन बी क्रिएटेड बाय एनी पर्सन. RTI सुना है? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का ड्राफ्ट अरविंद केजरीवाल ने बनाया. आजकल हरकतें देख के यकीन नहीं होता पर इट इज बीइंग क्रिएटेड. यहां तक कि लोकपाल बिल का ड्राफ्ट भी किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. एक सेकेंड, क्या चलो? सो ओके, सो अरविंद केजरीवाल ने ही ड्राफ्ट बनाया है RTI का. और लोकपाल बिल का ड्राफ्ट भी किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल. ऑब्वियस बात है, अरविंद केजरीवाल इंजीनियरिंग का बंदा होते हुए, ही इज इफ यू नो IIT, यस नो, तो इंजीनियरिंग ही कैन क्रिएट अ लॉ. तो ऑफकोर्स हम तो कर ही सकते, हम तो लॉ ही पढ़ रहे,
कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट प्राइमरी स्टेप इज ऑलवेज, सब जन बोलो क्या होता है? ड्राफ्टिंग। फिर ये जो ड्राफ्ट होता है वो आगे जाता है इंट्रोडक्शन स्टेज में, और इंट्रोडक्शन अब यहां पे डिवाइड होगा। अगर ये सेंट्रल या कॉन्करेंट लॉ है तो ये जाएगा पार्लियामेंट में, लेकिन अगर ये स्टेट लॉ है तो ये जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर में। जहां पे पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, जैसे हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउसेज होते हैं, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद। सिविक्स क्लियर? नाउ व्हेन द लॉ गोज टू इंट्रोडक्शन फेज, यहां वो पास नहीं होते, यहां सिर्फ वो पढ़े जाते हैं, जस्ट रीडिंग, हाउ टू रीड द लॉ, दैट इज बीन टॉट हियर। जिसने ड्राफ्ट बनाया या जिस पार्टी के जिस पर्सन ने, डिपार्टमेंट के हेड ने ड्राफ्ट बनाया, वो उसको पढ़ता है। जैसे अरुण जेटली हर फेब्रुआरी में फाइनेंस बिल पढ़ते हैं, दैट इज अ रीडिंग। फिर ये फाइनेंस बिल के ऊपर या किसी भी लॉ के ऊपर ओपिनियन लिए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज अ स्टेट लेजिस्लेचर? पार्लियामेंट कभी सुना है? देखा है लोकसभा राज्यसभा? वही लोग एक दूसरे को चेयर वेयर फेंक के मारते, माइक वाइक फेंक के, हाँ झगड़े करते, वी हैव झगड़े, मारा मारी चल रही है, और क्या क्या चलता है, अरे बहुत अजीब चीज चलती है, जैसे नोटों के बंडल दिखाना, घूसखोरी के, पार्लियामेंट में लाके करप्शन के, घूसखोरी के बंडल दिखाने तक की जरूरत जाती है इनकी। ये तो जरूरत जा ही सकती है, रीजन बीइंग पप्पू सोता है। ये भी कम हुआ, अरे सेलफोन पे क्या क्या देखते हैं, बीच में केस हुआ पता है आपको, घर पे इनको खाली समय मिलता नहीं शायद सबसे, ये तो मतलब हद होती है जिंदगी में, मतलब क्या है देखना, ठीक है, मीन्स व्हाट इज दिस? नाउ दिस इज अनफॉर्चुनेटली अवर पार्लियामेंट, अनफॉर्चुनेटली, एंड ये बहुत बहुत गलत बात है एक्चुअली, बट फाइन। सो यहां आपके दोनों ड्राफ्ट आएंगे, दोनों जगह पे पढ़े जाएंगे। पढ़ने के बाद में, फर्स्ट रीडिंग के बाद में, ये ड्राफ्ट ओपन होते हैं पब्लिक इनपुट्स के लिए। कौन से इनपुट्स के लिए? पब्लिक। आपको पता है आपका जो सिलेबस अभी ओल्ड से न्यू चेंज हुआ ना, इट इज एक्चुअली अमेंडमेंट अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949। आपका सिलेबस जो चेंज होता है ना, ये एक्ट वाला अमेंडमेंट है, इसको भी पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है, इसके ऊपर भी पब्लिक के कमेंट्स आते हैं। पब्लिक के कमेंट्स आए थे जब आपका सब्जेक्ट हटाया गया, दैट इज इसका, आफ्टर उसके जगह पे ऑप्शनल सब्जेक्ट लाए थे, तो पब्लिक को पूछा गया था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर पब्लिक होती है पागल, पब्लिक का कोई भरोसा नहीं, पब्लिक काय के ऊपर भी कुछ भी कमेंट कर डालती है, आज के डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तब इधर तुमने ड्राफ्ट ओपन किया, कंपनीज एक्ट वाला क्लियर कमेंट करो, उसके ऊपर एक आदमी लिख देता है सोनम गुप्ता बेवफा है। सब इसमें से कौन से कमेंट मानने कौन से नहीं मानने, इसका कोई मतलब कोई रूपरेखा ही नहीं रहती। तो पब्लिक ने कमेंट किए हैं तो उसको फिल्टर भी तो करना पड़ेगा। सो व्हेन पब्लिक मेक्स अ कमेंट, टू फिल्टर दोज कमेंट यू हैव टू टेक इट टू द डिस्कशन कमिटी, दैट इज अ स्टैंडिंग कमिटी। हर लॉ में कमिटी बनाई जाती है लॉ ड्राफ्ट करने के लिए, जो उसको फिल्टर भी करती है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के लिए देयर वर 3 कमिटीज बीइंग प्रिपेयर्ड, नारायण मूर्ति कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी एंड सर जे ईरानी कमेटी। दो नाम तो आपने सुने, एक फारसी बिजनेसमैन था जे ईरानी, कुमार मंगलम बिरला खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सो कमेटीज बिठाई जाती है कि ये निकम में लोगों के कमेंट्स को फिल्टर किया जाए और जो काम की चीजें उसको इंप्लीमेंट किया जाए। फिर ये बनता है एक इंप्लीमेंटेड, बनने लायक, पब्लिक को पसंद आने वाला ड्राफ्ट बिल। फिर वापस से इसको आपको लेके जाना पड़ेगा बेटा पार्लियामेंट पे। नाउ पार्लियामेंट के दो हाउसेस देखो, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक है विधानसभा, एक है विधान परिषद। नाउ दिस मैं सब नाम लिखना चाहूंगा और कुछ डिटेल्स भी मैं बेटा यहां पे लिखना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं, और इतना तो पता ही होना चाहिए, दिस इज हाउस ऑफ पीपल। दिस इज हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स। दिस इज कॉल्ड लोकसभा एंड दिस इज कॉल्ड राज्यसभा, इन हिंदी लोकसभा, और इसको कहा जाता है राज्यसभा। पूरा कॉन्सेंट्रेट करना बोर्ड के ऊपर, बहुत
बहुत डीप एनालिसिस दे रहा हूं कि इंडिया में पॉलिटिकल एजेंडा लॉ के ऊपर किस तरीके से असर करता है, यह जानना बहुत जरूरी है। तुमने आज तक शायद नहीं जाना, पर बहुत जरूरी है कि आपको समझना कि पॉलिटिकल एजेंडा लॉ को किस तरीके से डिफाइन करता है। लोकसभा, राज्यसभा, और इधर मैं चाहूंगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे कहा जाता है विधानसभा और इसे कहा जाता है विधान परिषद। फुल स्टॉप। नाउ प्लीज कंसोल्ट ऑन द बोर्ड। लोकसभा के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं बेटा 545 मेंबर्स। 545 मेंबर्स में से अगर आपको कोई भी लॉ पास करना है तो यू विल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ 273 मेंबर्स, एंड अगेंस्ट देयर कैन बी रिमेनिंग नंबर ऑफ मेंबर्स आर। और यही वो मैजिक नंबर है जिसको अचीव करने के लिए हर इलेक्शन में हर पार्टी मरती है। 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, जिसमें नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर करके सिलेक्ट हुए, उसके अंदर बीजेपी गवर्नमेंट क्रिएटेड 300 प्लस सीट्स, दैट वाज नियर टू 323 सीट्स आई गेस अप्रोक्सीमेटली, थ्रू विच द एनडीए गवर्नमेंट क्रिएटेड प्राइम मिनिस्टर एंड अ कैबिनेट। नाउ एनडीए, एज आई टोल्ड यू, टेल मी एनडीए मतलब बीजेपी एंड अलायंस, एंड यूपीए मतलब कांग्रेस एंड अलायंस। When your law is presented to Lok Sabha's 273 members shall approve the same. If it is not approved by 273 members, it leads to loss of law. लेकिन अगर ये constitutional amendment चीजें हैं, तो इस केस में special resolution तक की भी चीजें जा सकती है, that is 75%. पर वो बहुत rare वाले matters है, mainly तो economic और corporate law में उसका काम ही नहीं। दूसरी बात, 545 members में से ये जो मेंबर्स है इनको हम कहते हैं बेटा एमपीज, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हिंदी में कहा जाता है खासदार। हिंदी में क्या कहा जाता है? खासदार। और यही वो लोग हैं जिनको 2014 में, अगर आप 18 साल के ऊपर है तो आपने इलेक्शन में जितवाया होगा वोट कर करके। अब ये जो एमपीज होते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर ऑल ओवर इंडिया बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हर लोकसभा इलेक्शन के वक्त सभी पार्टियों का ज्यादातर ध्यान होता है उत्तर प्रदेश पे। रीजन बीइंग, आपको एक खास बात बताऊं तो लोकसभा के 545 सीट्स में से नियरली उत्तर प्रदेश उत्तरांचल मिलके ही 81 सीटें हो जाएगी। सेकंड बिगेस्ट स्टेट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इज महाराष्ट्र, देन एंड देन इट नॉर्मली ऐसा कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को पूरे तरीके से जीतता है उसका लोकसभा इलेक्शन के अंदर हारना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत जरूरी चीज है आपने जानना। अगर आपको स्टेट्स वगैरह की लिस्ट समझनी है तो यू जस्ट गो हियर दिस वन। एज यू कैन सी, आंध्र प्रदेश से लेके हर स्टेट के बारे में उन्होंने लिखा है। एज यू कैन सी फॉर महाराष्ट्र देयर आर 41 सीट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन महाराष्ट्र। अबाउ दिस यू वोंट सी एनी अदर नंबर, नो अदर नंबर इज देयर। बट इफ यू गो टू उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, दैट इज 63 सीट्स एंड 4 सीट्स नियरली, that they automatically create near to 70 seats regarding the same. Concept समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। I guess constituency elections के अंदर तो इनकी सीट 80 तक भी जाती है, if I'm not wrong. और अगर ये दो, अब आप देखो 63 यहां के, वेस्ट बंगाल के 32 और महाराष्ट्र के 41 आ गए, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोई हरा ना पाए। वन मोर स्टेट कंसिस्टिंग थोड़ा सफिशियंट नंबर इज अ बिहार। कंसेप्ट समझ में? अब सर उत्तर प्रदेश में ही सीट्स क्यों? लेट्स गो टू द हिस्ट्री फर्स्ट। उत्तर प्रदेश मतलब गंगा, और इंडिया का जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो वहीं से पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ है। ज्योग्राफिकल एरिया को कैलकुलेट करते हुए उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकली पॉपुलेशन ओवररेटेड है बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज दैट उत्तर प्रदेश हैड बिकॉज ऑफ गंगा, एंड दैट्स व्हाई वहां पे उतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना जरूरी हो गया, एंड वो तब से चलता आ रहा है जो आज तक चलता ही आ रहा है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सो दिस इज क्वाइट अ सफिशिएंट नंबर यू रिक्वायर फॉर द लोकसभा। नाउ लोकसभा इज अबाउट ऑल नरेंद्र मोदी एंड लोकसभा, बट एट द सेम टाइम देयर इज आल्सो स्टेट लेजिस्लेचर।
2014 में इलेक्शन होने का, 2015 में महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे जिसमें आपने मुख्यमंत्री चुना देवेंद्र फडणवीस। नाउ एज आई कैन ओनली स्पीक अबाउट द महाराष्ट्र बिकॉज हम महाराष्ट्र में रहते, हर एक स्टेट के हर 5 साल बाद इलेक्शन होते एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन हर 6 साल बाद होते, दैट इज अ स्पेशल राइट गिवन टू देम एज पर आर्टिकल नंबर 370। नाउ स्टेट इलेक्शंस तो इट्स फाइन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट मेन लीडिंग इलेक्शंस ये होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट का भी चेहरा मोहरा चेंज कर सकती है बिकॉज स्टेट के जो मैक्सिमम फंड अप्रूव होते हैं वो सेंट्रल लेवल से ही अप्रूव होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, दैट्स व्हाई। नाउ लोकसभा में तो इट्स फाइन कि आपके 545 मेंबर्स है, पर इन्होंने भी मेजोरिटी वोट देने के बाद बात खत्म नहीं होती, इट कम्स टू राज्यसभा। राज्यसभा में नंबर ऑफ मेंबर्स नियर टू 500 बन सकते हैं, पर आज के डेट में राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स सिर्फ 245 है। ये 245 मेंबर्स में से 233 जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली वाले एमएलए सिलेक्ट करके स्टेट्स के लिए भेजते हैं, हर एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यहां पे आते हैं जो ये कहते हैं कि अगर तुम लोकसभा में कोई बिल पास करो तो स्टेट के हिसाब से उनको कोई ऑब्जेक्शन है क्या। कंपेयर टू लोकसभा, राज्यसभा में थोड़े से लर्नेड पर्सन होते, थोड़े से एक्सपर्ट पर्सन होते, और 233 के बाद में 12 लोग खुद चूज करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु बिलोंग्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, क्लास, क्रीड, रिलीजन, बिजनेस और एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी। जैसे सचिन तेंदुलकर वॉज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, विजय माल्या वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, जावेद अख्तर इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। सो ये लोग हैं जो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, नाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर स्पोर्ट्स और बॉलीवुड और एनी काइंड ऑफ कल्चर एज दे रिप्रेजेंट। तो ये होते हैं राज्यसभा। ये सिर्फ ये देखते हैं कि लोकसभा वालों ने तो हाँ बोल दिया, ऊपर बैठे हुए सब गधे घोड़े, जब उनसे लॉ बन के आता है तो राज्यसभा वाले थोड़े तो भी लर्नर्ड होते जो कहते हैं ठीक है ओके फाइन, ये हमारे हिसाब से भी तो ठीक है। और अगर आप देखो तो मैंने ऐसे ही इनको प्रेजेंट किया है, पर राज्यसभा वाले सेकंड हाउस को हमेशा कहा जाता है अपर हाउस, क्योंकि जब आप लॉ पास करते हो तो दे ऑलवेज अज्यूम अ प्रोसेस इज फ्रॉम बिलो टू अप, दैट मींस पहले रीडिंग होगा, फिर लोकसभा आएगा, फिर राज्यसभा आएगा, फिर बाद में ऊपर जाएगा, इट्स काइंड ऑफ दैट। दैट्स व्हाई फॉर राज्यसभा दे डिनोटेड एज अ अपर हाउस एंड लोकसभा इज ऑलवेज डिनोटेड एज अ लोअर हाउस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, है ना। सो 245 मेंबर्स में से 233 ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंटी सीट सिलेक्ट करते हैं स्टेट के, और 12 मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पर 245 में से आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स किसी भी लॉ को पास करने के लिए 123 ही लगने वाले हैं, दैट इज अगेन अ मेजोरिटी। जब मेजोरिटी ऑफ पेपर एट द लोकसभा ये पास करता है और मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स एट द राज्यसभा ये पास करता है, दोनों जगह पे पास करने के बाद तब जाके ये चीज को कहा जाता है एक्ट। तब तक कि वो बिल ही होता है, लेकिन उसके बाद उसको एक्ट कहा जाएगा। आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 तो हम कहते हैं, पर ये एक्चुअली कंपनीज बिल था जो 2012 में ड्राफ्ट किया था। 2012 में ड्राफ्ट किया हुआ बिल 27 अगस्त 2013 को राज्यसभा ने एक्सेप्ट किया, इसलिए उसका नाम कंपनीज एक्ट 2013 हुआ, हालांकि बिल तो 2012 का ही था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, है ना। सो जिस साल वो राज्यसभा में पास होगा उस साल का उसको ईयर लग जाता है बेटा, आइडिया क्लियर है। पर बात वहां खत्म नहीं होती, बात तो इसके आगे भी बढ़ती है। जैसे डिस्कशन हो गया, फिर 245 मेंबर्स 233 मेंबर्स में से इधर 124 ने 545 और 245 मेंबर्स में से 273 और 123 मेंबर्स ने जब इसको अप्रूव कर दिया तो वो चीज जाती है प्रेसिडेंट के पास, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिलहाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? रामनाथ कोविंद। सो बेसिकली इट गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स द सेम, देन इट इज बीइंग डिनोटेड डाउनवर्ड्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इफ इट इज अ स्टेट लॉ टू स्टेट गवर्नमेंट, एंड इन स्टेट लॉ इट इज अप्रूव्ड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। बाय हुम? गवर्नर। नाउ दोज आर डिफरेंट, देयर आर 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, हम हर एक चीज का तो नहीं दे सकते, बट दिस इज जस्ट अ जनरलाइज प्रोसेस। आप नंबर ऑफ मेंबर्स एड करो, गवर्नर ऑफ स्टेट एड कर दो, प्रोसेस बाहर आ जाएगा। So governor approves the same, here president approves the same, then it goes to the central government. Now यहां पे बात बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, प्रेसिडेंट ने अप्रूव करने के बाद जब वो सीजी में आता है तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के 35 डिपार्टमेंट्स है, जिन 35 डिपार्टमेंट्स के अंदर 28 कैबिनेट मिनिस्टर्स वर्क करते हैं। कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स वर्क करते हैं? 28। एक कैबिनेट मिनिस्टर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट होल्ड कर सकता है, जैसे अरुण जेटली इज अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, is a ministry of law and justice, is a ministry of the corporate affairs, and he was also handling ministry of defense. एक बंदा एक से ज्यादा भी डिपार्टमेंट हैंडल कर सकता है, एक से ज्यादा मिनिस्ट्री भी हैंडल कर सकता है, इसी में इस केस में उसको कहा जाता है मल्टी मिनिस्ट्री कैबिनेट, मल्टी मिनिस्ट्री कैबिनेट। और फिर जिस
डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो लॉ होगा, जिस कैबिनेट से रिलेटेड वो लॉ होगा, वो कैबिनेट खुद के ऑफिशियल गजेट में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल गजेट में उस लॉ को डिक्लेयर करता है तीन चीजों के साथ। कितने चीजों के साथ? तीन, डेट, एरिया एंड नंबर ऑफ सेक्शंस विथ विच द लॉ इज अप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट 2013 वॉज अप्लीकेबल फ्रॉम 12th of September 2013 टू एंटायर ऑफ इंडिया एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस दैट इज 98 एंड दिस इज हाउ द लॉ इज बीइंग मेड। इसके बाद में कंपनीज एक्ट के धीरे धीरे बाद में सेक्शन आना शुरू हुए, बट ऑफिशियल गैजेट प्राइमरी डिक्लेरेशन देता है कि किस तरीके से लॉ अप्लीकेबल होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, है ना। सो ये है लॉ पास करने का प्रोसेस। एक बार ऑफिशियल गजेट में इसका डिक्लेरेशन आ गया, फिर ये चीज इंडिया में कानून करके लागू हो जाएगी। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? वही अगर ये स्टेट रहा तो स्टेट का महाराष्ट्र शासन राज्यपत्र, ऑफिशियल गजेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द महाराष्ट्र, इसके अंदर भी सेम चीज बोली जाएगी, डेट, एरिया और नंबर ऑफ सेक्शंस। इंडिया में लॉ पास करने का ये इकलौता तरीका है। ये छोड़ के इंडिया में दूसरे तरीके से लॉ पास नहीं हो सकता। आपका कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, पोगा, पोबा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पीएफ, फेमा, सेबी, सिकरा, कंपटीशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईआरडीए, सरफेसिया, वर्कमैन कंपेंसेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मिनिमम वेजेस, वर्कमैन कंपेंसेशन, पोल्यूशन लॉ, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, सीवेज लॉ, जीएसटी, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, अर्बन टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, ये हर लॉ इंडिया में इसी तरीके से पास किया गया है। इसको छोड़ के इंडिया में दूसरा लॉ पास करने का प्रोसेस नहीं है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार सर, नो, एक बार मुझे वापस से पूरी प्रोसेस बोलो। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, जोर से बोलो एक बार, ड्राफ्टिंग। सब जन बोलो क्या करते हैं? ड्राफ्टिंग। ये ड्राफ्टिंग कौन कर सकता है बच्चों? एनी पर्सन थियोरेटिकली। फिर ये ड्राफ्ट कहां पे जाता है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, वहां इसका क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग। जोर से बोलो क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग। फिर ये लॉ आएगा नीचे, पब्लिक कमेंट। पब्लिक कमेंट क्या किसका आ जाएगा? स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी इसको क्या करती है? फिल्टर। फिर वो लॉ को वापस कहां भेजती है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने हाउसेस है? दो। पहला हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। हाउस ऑफ पीपल में कितने मेंबर होते हैं? 545। हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल में 245। उसमें से 233 मेंबर्स कौन चूज करता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी। 12 मेंबर्स कौन चूज करता है? प्रेसिडेंट। दोनों जगह पर मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होने के बाद लॉ किसके आ जाता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट ने अप्रूव करने के बाद किसके आ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट्स है? 35। मिनिस्टर्स कितने हैं? 28। मल्टी मिनिस्ट्री वाला हो सकता है क्या? हाँ। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑफिशियल गजट के थ्रू क्या क्या डिक्लेयर करती है? तीन चीजें। कौन कौन सी? डेट, एरिया, सेक्शन। कौन से दिन से कौन से एरिया में कितने सेक्शन अप्लाई होंगे? आइडिया क्लियर है मैं क्या कर रहा हूं? वही अगर ये स्टेट लॉ है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर ऑफ द स्टेट और ऑफिशियल गजेट ऑफ द स्टेट, दैट्स इट। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? एक पेज लो, एक पेज पे दो कॉलम करो, रपारा परापारा सब लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। यहां पे मैं कुछ चीजें साइड में और ऐड करना चाहूंगा, आई विश कि वो भी आप लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। और पिक्चर का स्केच निकालने मत बैठना, निकालने जाओगे इंडिया बनेगा अफ्रीका।
Done everyone? चेंज करें स्लाइड को, बोला हाँ है ना। नेक्स्ट, जो भी लिखा है जैसे भी लिखा है समझने की कोशिश करना और लिख लेना। एनीवन एनी क्वेरी? सब समझ में आ रहा है क्या लिखा है? ना हा ना ना, भूत देख लिया क्या? अच्छा डिस्टर्ब मत करो क्या? अच्छा बराबर है, चलो आगे बढ़े। ओके आफ्टर दिस मोदी जी के बारे में किसी को कुछ लिखना है? मित्रों आगे बढ़े। Write this down also. Write down the name of the president also. आधे बच्चों को तो president ही नहीं पता होगा, I am very sure. Done everyone? Okay. Okay, so here the process to prepare the law is exactly over.
ओके, सबको समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, चलो गुड। नाउ देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स जो मुझे आपको थोड़ी और बहुत बोलना जरूरी है। आपको पता है ये जो दो हाउसेस है, दैट इज हाउस ऑफ पीपल और कौन सा वाले पॉज है, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, इनके ज्वाइंट सेशंस भी होते हैं। कौन से सेशंस? वो वाले नहीं, आई मीन ज्वाइंट टुगेदर सेशंस। सो इनके ज्वाइंट सेशंस भी होते हैं। और आज तक के इंडिया के 70 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 3 ऐसे लॉज है जो ज्वाइंट सेशन में पास किए गए हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम। द फर्स्ट वन, फर्स्ट 3 लॉज आर द डाउरी प्रोहिबिशन जो हमने बात की थी, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेस एक्टिविटीज जो हमने बात की थी, और एक बिल कंसिडर किया गया था लेकिन पास नहीं हुआ, दैट इज बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल 1977, जो पास नहीं हुआ बट कंसिडर हुआ था। ओनली 3 लॉज आर देयर हु आर बीइंग कंसिडर्ड इन ज्वाइंट सेशंस। एक और पावर जो मुझे डिस्कस करना है वो होता है बेटा प्रेसिडेंट के पास, आई कॉल इट एज अ वेटो पावर। व्हाट डू यू मीन बाय वेटो पावर? एनी लॉज कम टू अ प्रेसिडेंट, कोई भी लॉ हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल से पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है, या स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट गवर्नर के पास आता है, उसके पास एक पावर होता है कि वो उस लॉ को एक बार ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट कर सकता है। पर जब वो रिजेक्शन देगा तो उसको रीजनिंग देना जरूरी होता है कि उसने उस लॉ को रिजेक्ट क्यों किया। नेक्स्ट टाइम अगर सेम रीजनिंग इंप्लीमेंट करने के बाद या बिना इंप्लीमेंट किए भी सेम लॉ हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल पास करता है, तो प्रेसिडेंट उस लॉ को सेकंड टाइम रिजेक्ट नहीं कर सकता किसी भी हाल में। यह वेटो पावर है। नाउ ऐसा क्यों? फर्स्ट थिंग, प्रेसिडेंट इज नॉट अ स्पेशल अथॉरिटी, He is just a person। In civics हमें पढ़ाया गया है कि President of India भारत का पहला नागरिक है। He is not authority। Clear? It is another thing that उन्हें defense का apex person माना जाता है, as he is a first person of India because of that। But that does not give him any authority to completely reject any law which is passed by the public representatives in the Parliament and the House of People and House of State Councils। Do you understand? अगर 545 लोगों ने कुछ हां कहा है, 245 लोगों ने कुछ हां कहा है, तो सोच के कहा है। स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ बोला है तो सोच के बोला है। एक पर्सन के बोलने के ऊपर हम इसको रिजेक्ट कर दे तो ये डेमोक्रेसी नहीं, ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी, जो हो नहीं सकती। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट हैव ओनली वन टाइम पावर, एंड दैट टू विद अ रीजन। इफ ही इज नॉट हैविंग एनी रीजन, यू जस्ट कांट रिजेक्ट इट। ऐसे नहीं कि आज मूड नहीं है कल लाना। No, it's not like that। आपके सामने रॉ लिखा है, आपको रीजन लिखने पड़ेंगे, फिर ही रिजेक्शन मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। So, precedence, this power is veto power, पर कुछ लॉज के लिए प्रेसिडेंट का वेटो पावर भी यूज नहीं होता, जैसे मनी बिल्स, फ्यू बिल्स रिगार्डिंग ऑन विच बेसिक हम रेवेन्यूज के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे इसके अंदर लिखा, आफ्टर द बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम, द प्रेसिडेंट शॉल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट्स टू बिल और दैट ही विथहोल्ड हिज असेंट फ्रॉम द बिल। As a third option, he can return the bill to the parliament. If it is not a money bill or a constitutional amendment bill. Money bill or constitutional amendment bill, ये president reject नहीं कर सकता। Money bill क्यों नहीं? Because it is about revenue. अगर आप finance bill को president के सामने रखोगे और president उसको approve करने में 2 महीने लगा देगा, तुम finance act next साल से लगा ही नहीं पाओगे, because आता ही फेब्रुआरी में। फिर और दूसरा constitutional amendment bill ये reject नहीं कर सकता, because president constitution की वजह से है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट की वजह से नहीं है। आइडिया क्लियर है? प्रेसिडेंट का पावर कॉन्स्टिट्यूशन से निकलता है। कल जाके अगर तुम प्रेसिडेंशियल पोजीशन में कोई चेंज करना चाहते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा और प्रेसिडेंट ने खुद ने रिजेक्ट कर दिया तो कभी चेंज तो हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है? दैट्स व्हाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रोक नहीं सकता। व्हेन आफ्टर रिकंसिडरेशन द बिल इज पास्ड एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट विथ और विदाउट द अमेंडमेंट्स, दैट मींस आफ्टर कंसिडरिंग हिज रीजनिंग, अगर बिल एक्सेप्ट होता है या उसके रीजनिंग रिजेक्ट भी होते हैं, विदाउट अमेंडमेंट हम उसको वापस प्रेसिडेंट के सामने रख रहे हैं, द प्रेसिडेंट कैनॉट विथहोल्ड हिज एसेंट फ्रॉम इट। सो पावर सिर्फ वेटो है, वन टाइम रिजेक्शन। ये कुछ खास पॉइंट है जो लॉ के नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होते, एटलीस्ट फाइनल के बच्चों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज हमने इस एरिया में कभी दिखाई नहीं। अब अगर लॉ ही पढ़ रहे हैं और ये नहीं पढ़ रहे तो फिर क्वेश्चन है बेटा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो चाहूंगा ये भी पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखो, बड़े काम के। हो सकता है फ्यूचर में तुम्हारी जिंदगी में, अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है, 80 साल तो अपने को और जीना है, एक हाथ दो चीजें इसके अंदर हो भी सकती है कि भैया ज्वाइंट सेशन में एक दो लॉज और पास किए गए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना।
Done everyone? Yes or no? Okay. So these are the different laws which different procedures regarding the how law is to be passed, how law is to be made, and what are the special points regarding the same. There is few more basic things which are remaining today. There is a history of the Jammu and Kashmir and basic differences of the law that we are going to cover in the next session. Okay, today's session will be short because if I start with the maine Jammu and Kashmir ki agar history shuru kar di to usko khatam karne vich mere ko pon ghanta lag jayega, aadha pon ghanta usi mein chal jayega. So I will start to stop it today. Aaj ka session thoda sa short tha. Kal main sabko recommend karunga ki agar aap notes collect kar sakte ho niche admission leke to karo. It's not a compulsion, par agar aap karo to better rahega kyunki kal se hum notes mein se padhna shuru kar denge. Clear hai concept sabko? Because hum FEMA कल शुरू करने ही वाले. सेकंड थिंग सुन लेना पहले. जिनको अलाउड और कंपनी का दोनों का एडमिशन लेना है तो मैं चाहूंगा मेरे पास ही करना है तो दोनों का एडमिशन साथ में लेना. आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो कॉम्बो पे. लेकिन अगर आप बाद में वापस मेरे को बोलोगे कि सर अभी मैं अलाइड करता कंपनी चार पांच महीने बाद करूंगा तब एडमिशन लूंगा तो तब मैं डिस्काउंट नहीं सकता. हाँ, हम जरूर ये कर सकते हैं कि अभी आप पूरा एडमिशन ले लो, मैं रिसीट के ऊपर लिख कर दूंगा कि आप कंपनी बाद में करो तीन चार महीने बाद, जब कभी भी आपकी इच्छा होगी उस वक्त. क्लियर है कंसेप्ट? किसी भी लाइव बैच का या किसी भी वर्चुअल बैच का कोई भी एडमिशन पेन ड्राइव में किसी भी हाल में किसी भी तरीके से कन्वर्ट नहीं होता. तो इन चीजों के बारे में गौर फरमाना. हम कोई भी लाइव या वर्चुअल बैच का एडमिशन पेन ड्राइव में कन्वर्ट नहीं करेंगे. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, इन चीजों को याद रखना. दिस इज ऑल फॉर टूडे. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. स्पीड फाइन, बढ़ाऊ कम करू कि भगाऊ? भगाओ सर, भगाओ. इट्स फाइन, चलो गुड. सो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं. इज ऑल फॉर टूडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. बोलो जोर से, बोलो. चलो गुड. गॉड ब्लेस यू.